रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा 6 है और दौरा कुरान 20-23 अल्हम्दुलिल्लाह। और सूरत निसा चल रही है हमारी, जिसकी आयत नंबर 148 से पारा 6 स्टार्ट हो जाता है। बिस्मिल्लाह। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू मिनल कौली इल्ला मन ज़ुलिमा वकान अल्लाहु समीअन अलीमा। बुराई के साथ आवाज़ बुलंद करने को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता, मगर मज़लूम को इसकी इजाज़त है और अल्लाह ताला खूब सुनता और जानता है। अब यहाँ में शरीयत की ताकीद आ रही है कि अगर किसी के अंदर कोई बुराई देखो तो फिर उसका चर्चा ना करो, ठीक है। ये एक जनरल ताकीद है, किसको? तमाम मोमिनीन को, तमाम मुसलमानों को। अगर हम मुसलमान हैं तो हम इस बात का ज़रूर ख्याल रखें, यानी हमारी ये इखलाकी कदरों में होना चाहिए, हमारी जीन्स में ये चीज़ें होनी चाहिए कि अगर हम किसी की बुराई देखें, मतलब ज़ाहिर है हर इंसान ही परफेक्ट तो कोई भी नहीं है ना, हर इंसान में कोई ना कोई खामी होती है, कोई ना कोई बुराई होती है, ठीक है। तो अगर इंसान किसी दूसरे इंसान में कोई बुराई देखे, कोई खामी देखे, इवन कोई ऐसी चीज़ भी देखे जो कि उसको सख्त नापसंद लग रही है, तो क्या करे? वो उसका चर्चा ना करे, ठीक है। फिर वो क्या करे, यानी अगर चर्चा ना करे तो क्या करे? देखिए, एक तो इसका तरीका ये हो सकता है कि आप इसको अकेले में समझा लें, अगर तो आप समझते हैं, यानी अगर आपको मुबल्लिग का रोल प्ले करना है तो वो सबके सामने ना करें। और मुबल्लिग का रोल वैसे भी किसी के ऊपर तबसरेबाजी से पूरा भी नहीं होगा, यानी ये मुबल्लिग का रोल है नहीं। बहुत से लोग इस बात को कहते हैं ना जी हम तो ऐसे ही बात कर रहे हैं ताकि लोग बच जाएँ, तो ये मुबल्लिग का रोल हो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा ना, ठीक है। अनलेस ये कि अगर वो इसकी बुराई कुछ ऐसी है, मसलन बिज़नेस का मामला है, आपको पता है कि एक बंदा बिज़नेस के मामले में ज़रा या उसने कोई फ्रॉड किया हुआ है, तो दूसरा बंदा वो करना चाह रहा है और वो आपसे मशवरा भी कर रहा है या नहीं भी कर रहा, तो आप उसको मुतनब्बे कर दें कि देखो इस चीज़ में नहीं पड़ना, ये ना पहले ऐसे मामला हो चुका है, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी नुकसान हो जाए। तो वो इस्तश्नाई शक्ल हो जाएगी, उसमें भी आप देखिए चर्चा तो नहीं कर रहे ना, आप एक तन्हाई में अकेले में उसको समझा सकते हैं दूसरे फरीक को कि देखो ये चीज़ नहीं करना, मगर उसमें भी आप बस इतनी ही बात करें जितनी की बात है। बढ़ा चढ़ा के वो जो मिर्च मसाले लगा के बताने वाली बात जो है ना, वो इस्लाम में जायज़ नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक एक सवाल पर आप पर एक एक जुमले पर याद रखें फरिश्ते सब कुछ लिख रहे हैं और आपकी पूछ हो सकती है, इस दुनिया में भी हो सकती है और आखिरत में भी। तो अपने अल्फाज के मामले में इंसान बड़ा मोहतात रहे, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये कि अगर इस्तश्नाई शक्ल, ठीक है। दूसरी इस्तश्नाई शक्ल अल्लाह ताला यहाँ पे ये बयान करे कि अगर वो मज़लूम हो, ठीक है ना, अगर कोई इंसान मज़लूम है तो वो फिर क्या करे, ठीक है ना। क्योंकि आगे हदीस ये भी तो आ रही है ना कि वो एक पड़ोसी था जो कि ईज़ा देता था और उसका पड़ोसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि मुझे मेरा पड़ोसी तकलीफ़ देता है। अब वो परेशानी किसी भी किस्म की हो, उसकी डिटेल में नहीं जाया जा रहा ना, वो परेशानी, देखिए पड़ोसी की तकलीफ़ का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मसलन वो आपके जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया करते थे, अबू लहाब का मामला था कि वो आके खारदार झाड़ियाँ रख दिया करते थे घर के आगे। अगर रख दिया जाए तो आप देखेंगे जैसे ही आप बाहर निकलेंगे आपके लिए बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। घर के आगे कोई कचरा रख जाए, पड़ोसी कोई और ऐसे का अपने घर का कचरा आपके घर पे फेंक दे, तेज़ आवाज़ में कोई गाने बजा रहा है या एक अजीब किस्म की वायलेशन में सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखता, या किसी किस्म का हर वक्त लड़ाई झगड़े ही होते रहते हैं, हर वक्त क्रिकेट खेल रहे हैं, हर वक्त आपके ना खिड़कियाँ तोड़ रहे हैं या कुछ और चीज़ ऐसी नुकसान की बात कोई भी हो सकती है ना। तो इस सूरत में आपने क्या करना है कि फिर इसमें यहाँ पे इसका हल बताया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपना सामान निकाल कर बाहर रास्ते में रख दो। किसका? अपना, तुम्हारा, उसका नहीं, ठीक है ना। अपना सामान निकाल कर बाहर रख दो, ठीक है। चुनाचे अब उन्होंने यही अमल किया। अब इसका अगला मरहला खुद ब खुद हुआ, उसने सिर्फ सुन्नत की पैरवी की। उस पड़ोसी ने जिसको जो मज़लूम था उसने सिर्फ सुन्नत की, उसने ये नहीं पूछा कि क्या इससे क्या होगा, ऐसा करूँ तो फिर क्या होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा, ठीक है ना, हम कितने सवाल उठाते हैं। उसने कोई सवाल नहीं उठाया, उसने यही किया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। उसके बाद होने क्या लगा कि हर कोई जो गुजरता वो पूछता, भी सामान निकाल के, तो वो बताता, पूरा किस्सा बताता कि ये मुझे तकलीफ़ देता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है और ये जो है ना मैंने इसलिए बाहर रखा हुआ। तो वो पड़ोसी के जालिमाना रवैये की जब वो वजाहत करता तो सुनकर हर आने जाने वाला उस पर मलामत करता, लानत मलामत करता। पड़ोसी ने जब ये सूरत हाल देखी तो उसने माजरत की और आइंदा के लिए कभी भी ईज़ा ना पहुंचाने का फ़ैसला किया और उससे अपने खुद आकर अपना सामान अंदर रखने की इल्तिजा की कि आप भाई हाथ जोड़ा, तुम रख लो अपना सामान, क्योंकि जग असाई हो गई थी ना बहुत ज़्यादा, उसको लान तान। तो ये बड़ा, ये जो प्रोपेगेंडा होता है, अगर वो बाज़ात जब निस्बत होता है ना, यानी अच्छे काम के लिए जो कोई मुहिम शुरू की जाए या अच्छे काम के लिए जो प्रोपेगेंडा किया जाता है ना, जैसे अभी फ्रूट का परहैप्स चल रहा है ना, तो कि फ्रूट का बाइकआउट कर लें। बाकी मैंने सोचा कोई फ़र्क तो नहीं पड़ जाता, अगर आप दो चीज़ें नहीं भी खाते हैं, फ्रूट है, आप अगर नहीं भी खा रहे तो रोज़ा, तो रोज़े में फ्रूट खाने का कहाँ आपको हुक्म है, ये तो नहीं है। तो आप कोई अगर चीज़ नहीं भी खाते या कम खा लेते हैं तो इससे कोई, अगर वाकई से और कह रहे हैं कि वाकई इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो अगर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो, और क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कॉल भी है कि जब देखो कि महंगाई बढ़ गई है तो वो चीज़ जो है इस्तेमाल करना छोड़ दो, वो खुद ही जो है ना कम हो जाएगी, उसकी जो कीमत है कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये है। अब यहाँ पे आप देखें कि उसमें जुल्म का जहाँ पे मामला हो तो वहाँ पे ये नहीं कहा कि तुम चुप करके बैठ जाओ। और फिर मामला भी आप याद रखेंगे, देखिए पड़ोसी का था ना, अब एक दो दिन की बात नहीं थी, यानी एक होता है कि मेहमान ईज़ा दे रहा है तो खामोश हो जाए, चलो भाई ये कौन सा रोज़ रहना है, इसमें भाई 2 दिन रहेगा, 3 दिन चला जाएगा, चलो भाई चुप करके खामोश होकर गुजार दो, ठीक है ना। कोई और रास्ते में आप आ रहे हैं, कोई बस में बैठा हुआ के साथ बैठा हुआ, इसने कोई तकलीफ़ दी तो ठीक है, वो कितनी देर, वो अपनी मंजिल पे उतर जाएगी, वो मैं अपनी मंजिल पे उतर जाऊँगी, ठीक है भाई चलो काम ख़त्म। लेकिन पड़ोसी का साथ जो है वो उम्र भर का होता है ना, हमेशा के लिए होता है। तो उसको बाज़ औक़ात बताना या कंप्लेन करना या उसको समझाना या उसको कह देना कि भाई आपकी इस जगह इस बात से हमें तकलीफ़ हो रही है या आप अपना ये रवैया ठीक कर लें। अच्छा, इससे ये भी पता चला है कि उसने यकीनन कोशिश की होगी, यानी ये तो आखिरी स्टेज थी ना जिसमें, तो इससे पहले कि और बहुत सारी स्टेजेस हो सकती हैं कि आप उनको जाके मना कर दें, बता दें, उसको कहें कि भाई आप ऐसे ना करें। जब सारी चीज़ें ही ख़त्म हुई तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अपना सामान रखो और अब लान तान, अब इसका मतलब है कि सारे ज़मीन वाले, सारे जो मोहल्ले वाले उसको लान तान करेंगे तो फिर उसको जो है ना अक्ल आएगी। और ज़ाहिर है क्योंकि अपनी इंसल्ट एक बंदे, अभी तक तो छुपी हुई थी ना उसके मामला, एक बंदे की इंसल्ट से बाज़ औक़ात नहीं होता, लेकिन जब बहुत सारे लोग जब करने लगे ना तो इंसान के अंदर ज़मीर मलामत करता ज़रूर है, वो एक जो है ना एक बड़ी कर्ब की कैफियत में चला जाता है कि देखो मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं हुई है, सब मुझे बुरा, क्योंकि कोई भी इंसान अपने आप को माशरे में बुरा नहीं कहलवाना चाहता। तो ये बड़ी अच्छी साइकोलॉजिकल जो है ना उसको मार दे दी, उसकी साइकोलॉजी से खेला गया था और उसको बड़ा अच्छे तरीके से डील किया गया था, ठीक है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर ऐसी कोई बात हो कि जहाँ पे जुल्म का मामला, और जुल्म का मामला कहीं भी हो सकता है, वो घरेलू जुल्म का मामला भी हो सकता है, घरेलू जुल्म में लेकिन ये देखना पड़ेगा ना कि आप किस हद तक स्टैंड ले सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि घरेलू जुल्म का मामला ये होता है कि आपने रहना भी उन्हीं के साथ है, फिर वो आपको ताने तशने भी दे सकते हैं, फिर बाद में कहीं ऐसा ना हो कि आप पे जुल्म का बढ़ जाए। वो पड़ोसी देखिए आपके घर में नहीं रह रहा था, वो अपने घर में रह रहा था, ठीक है ना। यानी अगर ये चीज़ हम अगर अपने घर वालों पे अप्लाई करेंगे कि जी उनका सामान निकाल के हमको, कि हमें आप हमें तकलीफ़ दे रहे हैं तो आज हम आपका सामान निकाल के, तो शायद वो इतनी प्रैक्टिकल बात ना रहे ना, वो डील करने के अलग अंदाज होंगे, ठीक है ना। लेकिन बहरहाल ये ऐसे मामला जहाँ के आप सोशल मामला जैसे होते हैं उनमें डील करने का बड़ा अच्छा तरीका समझा दिया गया। अब इससे एक तो बात ये भी पता चलती है कि अल्लाह का कानून और अल्लाह का थोड़ा थोड़ा मिजाज पता चलता है कि अल्लाह को बुराई सख्त नापसंद है, कि किसी की बुराई करना, एक तो बुराई करना खुद भी नापसंदीदा है, यानी बुराई जो कर रहा है वो भी नापसंदीदा है, उस फिर उसकी जो गीबत कर रहा है, यानी उसका जो प्रचार कर रहा है ना, जो उसकी उसका प्रोपेगेंडा कर रहा है वो भी बुरा है, दोनों एक ही लिस्ट में चले गए कि वो कर रहा है और आप उसके। अच्छा क्या होता है कि जब आप बुराई का प्रचार कर रहे होते हैं ना तो एक तरह से उसको प्रमोट भी कर रहे होते हैं। आप देखिए मीडिया में ऐसा ही होता है ना, बाज़ ऐसे जराइम होते हैं जो किसी को भी नहीं पता होता, मीडिया के थ्रू वो मंजर आम पे आ जाते हैं और लोग इससे मतलब संभलने वाले संभल भी जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो इससे, और जो जराइम पेशा होते हैं वो इससे ये भी सीख जाते हैं, अच्छा ये भी जुर्म किया जा सकता है, और ज़्यादा माशरे में बाज़ औक़ात अफरा तफरी भी फैल रही होती है, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला को बुराई का प्रचार करना सख्त नापसंद है, उसको आम करना सख्त नापसंद है। आम खुले आम एक गुनाह होता है ना, वो एक छुपे हुए गुनाह से बड़ा गुनाह होता है। याद रखें, ये वही खुले आम गुनाह हो रहा है ना। एक होता है छुपा हुआ गुनाह और एक होता है कि आप उस खुले आम गुनाह कर रहे हैं, उसका प्रचार हो रहा है और काफ़ी लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, गॉसिप हो रहे हैं। तो ये बात अल्लाह ताला पसंद नहीं करता है कि मुसलमान माशरे में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वही बात कि जो मज़लूम है वो अपने ऊपर हुए हुए जुल्म को बता सकता है। साहिब हक़ को बात करने की इजाज़त है, ठीक है ना। वो हक़ वही करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि वो अपनी मिर्च मसाले लगा के अपनी पूरी स्टोरी बयान करेगा ताकि, और क्योंकि हमारे यहाँ ये भी होता है ना कि दो तीन बातें अपनी तरफ से ऐड कर दी जाती हैं। जो मज़लूम होता है ना वो इतना मज़लूम बन जाता है जब देखता है कि उसको लोग तवज्जो दे रहे हैं, इसको लोग जो है ना सुन रहे हैं, तो वो दो तीन बातें अपनी तरफ से एडिशन करके वो कर देता है कि भाई अच्छा चलो ये भी हुआ, ये भी, ताकि इसमें जो है ना सनसनी खैजी, इसमें कहानी जो है ना उसमें सनसनी खैजी आ जाए, कहानी में और ज़्यादा ट्विस्ट आ जाए। तो इसलिए, लेकिन ये चीज़ अल्लाह ताला पसंद नहीं करता, ठीक है। तो साहिब हक़ अगर अच्छा फिर आप देखिए एक चीज़ आपने समझ ली कि अल्लाह ताला पे इसका मतलब है इस्लाम बतौर दीन किसके साथ खड़ा है? मज़लूम के साथ खड़ा है, जालिम के साथ नहीं खड़ा। यानी इंसान अपना, मैं जो इससे जो सीखती भी हूँ और जिससे सिखाती भी हूँ कि इंसान हमेशा जब अपना एक लाइन डिफ़ाइन कर रहा हो ना कि मैंने किस से लाइन में जाके खड़े होना है, तो वो मज़लूम की लाइन अपने लिए भले चूज़ कर ले मगर जालिम की ना चूज़ करे, क्योंकि अल्लाह ताला जो है मज़लूम के साथ होता है, अल्लाह ताला जालिम के साथ नहीं होता। यानी अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत तकलीफ़ बर्दाश्त करके अगर आप समझते हैं कि इस तरह आपका दीन बच सकता है, अगर आप इस तरह से आपकी दुनिया बच सकती है, कोई बात नहीं, इसका अजर मिल जाएगा। लेकिन जालिम बनने की कभी भी इंसान को ना तो ख्वाहिश होनी चाहिए ना कोशिश करनी चाहिए। इनफैक्ट डरना चाहिए आपको कि हम बस मज़लूम हैं तो ठीक है, अल्लाह हमारे साथ है। भाई कोई भी नहीं है दुनिया में, कोई भी हमारे साथ नहीं है, मगर हम क्योंकि मज़लूम हैं तो अल्लाह हमारे साथ है, ठीक है। लेकिन अगर जालिम होंगे ना तो अल्लाह आपके साथ नहीं होगा, अल्लाह आपका साथ छोड़ देगा। तो इसलिए कभी भी बात का क्या होता है कि इंसान बदले की जब पोजीशन पे आ जाता है ना तो वो जुल्म का बदला, क्योंकि आपको पता है कि जुल्म के बदले की इजाज़त है, हदीस में भी इजाज़त है, कुरान में भी इजाज़त है। तो जब बदले की पोजीशन पे आता है ना तो वो बदला ऐसा ले लेता है कि जो है ना जो उसको जालिम की फहरिस्त में ला के खड़ा कर देते हैं। तो अगर आपको बदला लेना ही है, पहली बात तो माफ़ करना बहुत ही अच्छा मकाम है, लेकिन अगर बदला लेना ही पड़े तो फिर यह है कि सिर्फ उतना ही हो कि जितना कि आपके साथ मामला हुआ था, इससे आगे नहीं बढ़नी चाहिए बात, ठीक है ना, सही है। अच्छा, बुराई जो होती है ना, क्यों नापसंद है अल्लाह ताला को बुराई? क्योंकि इंसान के ख्यालात, इंसान की सोच, उसकी अमल, उसकी शख्सियत को बिल्कुल तबाह कर देती है। तो अल्लाह ताला चाहता है कि इंसान अपनी शख्सियत को पाकीज़गी और तकवा की तरफ लेके जाए। अल्लाह ताला को नेक रूह पसंद है। कभी कभी अपना तस्सिया क्या करें कि हम नेक रूह हैं या हम बदरूह हैं, ये इंसान दो में से एक चीज़ है। अच्छा, नेकी अगर अच्छी लगती है, नेकी की तरफ, नेकी वाली बातें अच्छी लगती हैं, बस नेक काम ही अच्छा लगता है। रमज़ान के अलावा देखेंगे ज़्यादा अच्छे तरीके से, अभी तो ज़ाहिर है शैतान वैसे भी नहीं है तो अभी तो सभी कुछ अच्छा लग रहा है, नेकी अच्छी लग रही है। लेकिन अपना तज़िया किया करें और अल्लाह से ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे नेक रूह बना, मुझे नेकी अता कर, मुझे तकवा अता कर, मुझे नेक रूहों की फहरिस्त में शामिल कर, क्योंकि वो लीन में होंगे। नेक रूह दुनिया में भी अल्लाह की पसंदीदा लोगों में होते हैं और आखिरत में भी वो लीन, बरज़ख की ज़िंदगी होगी तो वो लीन में होंगे और आखिरत में ज़ाहिर सी बात है जब फैसले हो जाएंगे तो वो जन्नत में जाएंगे। तो नेक रूह का हर जगह मकाम अलग है और बहुत बड़ा मकाम है और बहुत अच्छा मकाम है, ठीक है। और फिर एक और चीज़ यहाँ से हमने सीखी, वो क्या कि जब साहिब हक़ बात करें, जब हक़ पर है और वो मज़लूम भी है, तो जब बात करें तो फिर माशरा क्या करें? माशरा साहिब हक़ का साथ दे, ना कि मज़लूम, ना कि ज़ालिम का, ठीक है। ये मज़लूम कौन है? ये साहिब हक़ है ना, सही ना, हक़ बात कर रहा है, ये हक़ पर है, इसके ऊपर जुल्म हो रहा है। तो फिर माशरा क्या करे कि हर सूरत में साहिब हक़ का साथ दे, ना कि बातिल के साथ मिलके तालियां बजा रहा। हमारे माशरे में देखें ये चीज़ भी होती है ना, और बल्कि हमारे अंदर तो मुनाफ़िक़त बहुत है। जब वो बात करता है हम उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, और जब वो बात करता है तो हम उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं और कहते हैं हम क्या करें भाई, हम तो है ना दोनों का ही, हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपको ये आपके अंदर मतलब इतना ज़मीर होना चाहिए और आपको इतना आपको मजबूत होना चाहिए अंदर से कि आप हक गोई के साथ खड़े हो सकें। ये एक सेंस एक इबादत है, ठीक है, साहिब हक के साथ खड़ा होना और बातिल की नफ़ी करना। ये वैसे भी इटसेल्फ एक बातिल की नफ़ी हो जाती है। तो ओपनली साहिब हक की आप उसका प्रचार करें, उसके साथ खड़े हों, तो ये इटसेल्फ एक इबादत है। आप नेकी का साथ दे रहे हैं, आप माशरे में नेकी को पनपने का एक मौका फराहम कर रहे हैं। आ रही समझ बात? क्योंकि बाज़ात हम हमारे अपने मफादात होते हैं, तो इस वजह से हम बाज़ात मजलूम के साथ नहीं खड़े होते हैं, अक्सर और बेशतर जालिम के साथ जाके खड़े हो जाते हैं क्योंकि हमारे अपने मफादात होते हैं। आप देखें घरेलू मामलात होते हैं या माशरती मामलात होते हैं, आपने देखा अक्सर और बेशतर क्या होता है कि अगर जैसे मसलन घर के अंदर हो कोई जुल्म का मामला, यानी जैसे घर के अंदर जैसे ये ज़रा थोड़ा से रिश्ते होते हैं ना, कड़वे रिश्ते जिसको, तो ये सास बहू का इस तरह से मामला, तो आमतौर पे सास के एजेस की जितनी भी ख़वातीन होती है ना, तो वो उनके साथ जाके खड़ी हो जाएंगी, चाहे पता है कि गलत हो रहा है, वो उनको सपोर्ट करेंगी कि जी नहीं नहीं ये सही है बिल्कुल, पर चाहे पहले पता हो कि सही बात है या गलत बात। और बहू की एजेस की जितनी भी ख़वातीन होंगी वो उनके साथ जाएंगी, उनका सपोर्ट बिला वजह सपोर्ट करेंगी, चाहे वो गलत ही हो, बिला वजह सपोर्ट करेंगे वो, इसलिए अपने मफादात के लिए। इसी तरह आप देखिए आयली ज़िंदगी में क्या होता है कि अगर सास बहू का कोई मामला होता है कुछ, तो नंद आमतौर पे अपनी माँ की सपोर्ट करती है, चाहे वो हक पर ना भी हो तो भी सपोर्ट करेगी। क्यों? क्योंकि रिश्ता है, खूनी रिश्ता है, बस हमने तो खूनी रिश्ते को निभाना है। अल्लाह से जो रिश्ता है उसको तो छोड़ो, किसने देखा है? उस वक्त हम अल्लाह के रिश्ते को तो इनकार ही कर रहे होते हैं क्योंकि बात तो हम कह नहीं रहे होते। अगर हम सिर्फ घर के अंदर हक को जो है लागू करते हैं, हक बात कहना, सिर्फ देखिए स्टार्ट तो इंसान की तबलीग घर से ही होती है ना, इंसान की नेकी की ज़िंदगी का आगाज़ उसके घर से होता है, ठीक है ना। बाद में आगे बढ़ती है कि आप जब और लोगों से मिलते हैं करते हैं, असल उसकी नेकी की ज़िंदगी का आगाज़, उसकी नेकी की ज़िंदगी की आपकी पहचान उसका घराना होता है, उसका घर होता है कि वो घर में कितना अच्छा मोमिन है। दूसरों के सामने तो सभी मुस्कुराने वाले मोमिन बन जाते हैं, बात तो ये कि हम घर के अंदर कितने अच्छे मोमिन हैं, ठीक है ना। तो उस वक्त जब भी वो बात, आगे भी मैंने पहले भी बताई, आगे फिर आएगी कि हक़ की गवाही देने वाले, ठीक है ना। तो मोमिन जो होता है ना वो हक़ बात करे, तो हक़ बात जब करेगा तो माशरे में एक अच्छी फ़ज़ा जो है ना कायम होनी शुरू हो जाएगी, घरेलू माहौल सुलझने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना, सही है। तो माशरा ये करेगा, माशरे का काम यहाँ पर आ रहा है, माशरा ये करेगा कि मज़लूम का साथ देगा और साहिब हक़ का साथ देगा। वो किसी सूरत, चाहे उसको कितने ही मफादात दिए जाएँ, चाहे उसको कितनी तकलीफ़ उठानी पड़े, लेकिन वो जो है बुराई का साथ नहीं देगा, वो जालिम का साथ नहीं देगा, वो मज़लूम का ही साथ देगा, ठीक है। और फिर एक और बात हमने सीखी कि अल्लाह से डरने वाले जो होते हैं ना वो हर हाल में इंसाफ करते हैं और हक़ का साथ देते हैं, वो चाहे उनकी मफादात पे कितना भी ज़द पड़े लेकिन वो हर हाल में इंसाफ का साथ देते हैं, ठीक है ना। और जो मैंने पहले ही बता दी कि इस्लाम किसके साथ है, वो मज़लूम के साथ है। और जुल्म को दूर करने के लिए, जुल्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ हक़ का बदला लिया जा सकता है। अगर किसी को बदला लेना ही है तो बदले की इजाज़त है, लेकिन वो सिर्फ इतना ही लेगा कि जितना कि उसके साथ जुल्म हुआ है, ये नहीं कि इससे आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे हो गई क्लियर इंशाल्लाह। अगर तुम किसी नेकी को एलानिया करो या पोशीदा ही किसी बुराई से दरगुजर करो, बस यकीनन अल्लाह ताला पूरी माफ़ी करने वाला और पूरी कुदरत करने वाला है। यानी कि अगर किसी नेकी को, यानी कोई भी नेक काम है, आप अगर इसको एलानिया करोगे या पोशीदा करोगे या किसी बुराई से दरगुजर, अच्छा किसी बुराई से दरगुजर करने में आप ये भी देखें कि माफ़ी का मामला भी आ जाता है ना। तो हदीस में आता है ना, माफ़ कर देने से अल्लाह ताला इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाता है, किसकी? जिसने माफ़ किया है। एक और हदीस में आता है अल्लाह ताला सबके सामने उसको बुलाकर इज़्ज़त देगा, जो कि एक हदीस का मफ़हूम ऐसे, जिसने अल्लाह के लिए किसी को माफ़ कर दिया। तो इंसान अपनी नेकियां इस तरह भी इकट्ठे कर सकता है ना, इस तरह भी इकट्ठे कर सकता है, किसी को माफ़ कर दिया, किसी को दरगुजर कर दिया। यानी तस्बीहात के अलावा भी मामलात में भी हमें नेकी इकट्ठे करने का मौका अल्लाह ताला बहुत दफ़ा देता है। हम आमतौर पे आप देखें तस्बीह पढ़ते रहते हैं और कहीं कुछ, किसी ने कुछ गड़बड़ किया, अच्छी तरह से उसके डांट डपट की, फिर तस्बीह पढ़ना शुरू हो गया, है ना। यानी इसकी बनिस्बत जब आप अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं तो आपके मामलात में भी अल्लाह का जिक्र ही होना चाहिए ना। आपके और एक तरफ आपकी जिक्र, आपकी ज़बान तस्बीह कर रही है, और एक के तरफ आपके मामलात की, चलो दिल से माफ़ कर दिया, चलो ज़बान से भी माफ़ कर दिया, कोई बात नहीं, हो जाती है चीज़ें, ठीक है। मोमिन बहुत सॉफ्ट दिल वाला होता है, नरम दिल वाला होता है ना, अच्छे दिल वाला होता है, उसका दिल बड़ा प्यारा होता है, खूबसूरत दिल होता है उसका ना, और महसूस होता है। जैसे आप देखें जो खुशबू होती है, जो फूलों की खुशबुएँ होती है ना, फूल इटसेल्फ बड़े खूबसूरत लगते हैं, मगर उनकी खुशबुएँ सारी महकी हुई होती हैं। आप लॉन में से आते हैं, अक्सर मैं जाती हूँ तो एकदम दिल खुश हो जाता है, क्योंकि वो मोतिया की खुशबू आ रही होती है, कहीं पता नहीं किधर रात की रानी छुपी हुई है, लेकिन कहीं लगी हुई है, पीछे कहीं लगी हुई थी, तो वो अब नज़र तो नहीं आती, लेकिन मुझे एकदम महसूस होती है उनका अभी भी चल रही है, वो बेचारी कहीं है छुपी हुई है। और मोतिया बेचारा पीछे से यूँ ना झाँक रहा होता है वो, क्योंकि आगे दूसरे फ्लावर्स आ गए ना, तो वो पीछे से बेचारा झाँक झाँक के निकल रहा होता है, मगर उस खुशबू उसकी, अच्छा दूसरे फ्लावर्स हैं मगर मोतिया की खुशबू बड़ी गालिब आ गई, ठीक है ना। तो अब जो मोमिन जो होता है ना, वो भी जो होता है ना, उसकी खुशबू होती है उसकी, और उसकी खुशबू से दूसरे मुस्तफ़ीद हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता है, उसको देखने से, उससे मिलने से इंसान को सुकून और खुशी मिल रही होती है, ठीक है ना, सही है। तो यहाँ पे एक तो बात यह है कि अगर तुम किसी नेकी को एलानिया करो, एक तो बात मैंने माफ़ी वाली बता दी, और फिर किसी नेकी को एलानिया करोगे या पोशीदा करोगे, अल्लाह ताला पूरी माफ़ी करने वाला है, पूरी कदर। अब यहाँ पे आप देखिए नेकी को कहा ही, इसीलिए मैंने इस मौजूद पे बात की कि यहाँ पे नेकी कोई ना तो सदक़े का जिक्र आ रहा है ना कोई और नेकी, यहाँ पर आपको पता है कौन सी नेकी का जिक्र आ रहा है, माफ़ी, दरगुजर। पूरा ये जो दो आयात हैं इनमें टॉपिक यही चल रहा है कि दरगुजर और माफ़ी, क्योंकि आगे भी देख लें कि यकीनन अल्लाह ताला पूरी माफ़ी करने वाला है। तो यानी किसी को माफ़ कर देना भी इससे सीखा हमने, किसी को माफ़ कर देना अल्लाह की तरह, अल्लाह के लिए किसी को माफ़ कर देना भी अल्लाह की नज़र में नेकी है, ये भी अल्लाह के यहाँ नेकी लिखी जाती है। हम इस बारे में बड़े सख्त दिल होते हैं, बड़े तंग दिल होते हैं, माफ़ी के मामले में बड़े तंग दिल होते हैं, माफ़ कर भी देते हैं ना तो दिलों के अंदर से नहीं निकालते हैं। हालांकि माफ़ी होती है, दिल की माफ़ी है। अगर आपने ज़बान से माफ़ी दे भी दी और दिल के अंदर अभी तक माफ़ी नहीं है, तो फिर आपने क्या माफ़ी दी, ठीक है ना। तो बड़ी खूबसूरत आयत है ना। फिर आगे जो मैंने आपको बताया था कि नबियों में फ़र्क जो है वो नहीं कर सकते, ये लोग क्या करते थे अहले किताब, कि जो लोग अल्लाह के साथ, उसके पैगम्बरों के साथ कुफ़र करते हैं, और जो लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला और उसके रसूलों के दरमियान फ़र्क कर रखें, और जो लोग कहते हैं कि बास नबियों पर तो हमारा ईमान है और बास पर नहीं, वो चाहते हैं कि इसके और उसके बैन को राह निकालें। यकीन मानो ये सब लोग असली काफिर हैं, और काफिरों के लिए हमने अहानत आमेज़ सज़ा तैयार कर रखी है। और जो लोग अल्लाह पर, इसके तमाम पैगम्बरों पर ईमान लाते हैं, उसमें किसी के में फ़र्क नहीं करते, ये हैं जिन्हें अल्लाह ताला इनको पूरा सवाब देगा। ये बात पहले भी गुजर चुकी है कि वो अहले किताब जो थे बाज़ नबियों को मानते थे, उनका आज भी यही हाल है कि बाज़ नबियों को मानते, बाज़ नबियों को नबी नहीं मानते। ये आपको पता है अल्लाह की नज़र में बहुत बड़ा जुर्म है कि अल्लाह ने किसी को नबी मुकर्रर किया है, और आप बतौर इंसान जो है ना अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं कि नहीं हम तो मानते ही नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। बहुत सारे मामलात में आप देखें, अल्लाह के अहकामात के मामले में भी बाज़ लोग है ना आदीस का भी बड़ी आराम से नाउज़ुबिल्ला नफ़ी कर देते हैं, जी हमने तो ये हदीस नहीं पढ़ी। ये आपके इल्म में कमी हो सकती है, अगर हदीस कहीं मौजूद है और वो सही हदीस है तो फिर आप मान लें, ठीक है ना। आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं ये हदीस सही नहीं है या हमें इस पे शुबा है, ठीक है ना। तो इंसान ज़रूर इस बात को सीखे और समझे कि इंसान क्या बात ज़बान से निकाल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आगे आप देखें कि हम चलते हैं, हाँ, हज़रत ईसा इस्लाम का जो सही अकीदा है ना, वो आप यहाँ से आयत नंबर 156, 57, 58 से ऑनवर्ड जो है वो सारा वही अकीदा जो है कि उनके कुफर के बायस और मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर बहुत बड़ा बातान बांधे, क्योंकि इन्होंने, मैंने बताया था पहले भी शायद कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, जैसे आपको पता ही है कि हज़रत ईसा को लेकर जब, तो उन्होंने इल्ज़ामात भी लगाए थे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पे, वो आप आगे पढ़ेंगे भी कि ये तुम कैसे, यानी जाहिर सी बात है कि उनको ये बात वैसे तो अजीब ही लग रही थी, मगर उनका भी इम्तहान और आजमाइश था कि जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम कह रही हैं, वो तो खैर खुद खामोश थी, मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब खुद कह रहे हैं कि मैं ना अब्दुल्ला, मैं खुद मैं अल्लाह का बंदा हूँ, और अच्छा उस समय मुआवजे भी आ रहे थे, यानी उनके लिए ये कोई अजीब बात नहीं थी मौज़ा कोई भी आ जाना, ठीक है। तो और नबी, वो एक नबी थे, वो मौज़ाना तौर पे एक नबी दुनिया में आ गए हैं, तो अहले किताब के लिए उस वक्त कोई ऐसी अजीब बात नहीं थी, मगर इसके बावजूद उन्होंने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की और माना नहीं बल्कि उल्टा इल्ज़ाम तराशी की, ठीक है ना। हालांकि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को ये अपनी ज़िंदगी में देख रहे थे कि वो बस एक कोने में बैठी इबादत करती रहती थी। तो एक पाक हदीस में आता है ना, पाक बास औरत पर बहतान बांधना जो है वो गुनाह कबीरा है, बहुत बड़ा गुनाह, ठीक है ना। तो इन्होंने ये इल्ज़ाम तराशियाँ की थी, ये गुनाह कबीरा किया था। आज भी आप हमारे माशरे में देखें कि इस तरह की कोई दिन में गुजर रहे हैं, कोई लड़की मतलब ख़वातीन पे बड़े आराम से कोई इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, किसी भी किस्म का उसका स्कैंडलाइज कर दिया जाएगा किसी के साथ। इस्लाम इस बात की परमिशन बिल्कुल भी नहीं देता कि आप बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी वजह के किसी को किसी के साथ स्कैंडलाइज कर दें। हमारे माशरे में ये चीज़ें भी आम है ना कि सिर्फ़ इसका शिकार वो लड़कियां या वो औरतें नहीं होती जो कि ख़ुद भी कुछ ऐसी हों, बल्कि बाज़ औक़ात अच्छी भली पाक मासूम ख़वातीन जो होती हैं उनको भी लपेट में ले लिया जाता है। अच्छा वैसा इल्ज़ाम नहीं तो वैसे लगा देते कि ये बात तुमने कही, ये बात, यानी किसी ने कोई बात कही। आइली ज़िंदगी में देखें इस तरह की चीज़ें होती रहती है ना कि किसी को पर डाल दिया कि ये बात हमें कैसे पता चली, जी इसने कही थी। अब उसको ख़बर ही नहीं है कि मैंने कब कही थी, वो कह रही मैंने तो नहीं कही थी। आइली ज़िंदगी में, फैमिली लाइफ में इस तरह के मामला होते हैं ना, तो ये याद रखें कि सब बहतान तराशी में आती है, इल्ज़ाम लगाना। तो इल्ज़ाम लगाना किसी सूरत जायज़ नहीं। और यूँ कहने के बायस कि हमने अल्लाह के रसूल मसीह ईसा इब्न मरियम को कत्ल कर दिया, हालांकि ना तो इन्होंने इसको कत्ल किया था, ना सूली चढ़ाया था, बल्कि इनके लिए इनका यानी ईसा अलैहिस्सलाम का एक शबीह बना दिया गया था। यकीन मानो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इख्तलाफ करने वाले उनके बारे में शक में, घड़ी दे दें मुझे या घड़ी, इसको भी देखूँ मैं क्योंकि टाइम का मुझे अंदाज़ा ताकि हो जाए। जज़ाकल्लाह, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा आज है ना शुरू से ही फास्ट रहूँगी, एंड में फिर हम दौड़ लगा देते हैं और शुरू से ही बंदा फास्ट चल जाए ना, तो फिर थोड़ा सा मैं शुरू से फास्ट इसलिए तेज़ी से जा रही हूँ, मेन चीज़ें बता के और आगे बढ़ रही हूँ ताकि आपका पारा सही तरह से ख़त्म हो जाए। बिस्मिल्लाह, औज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। अच्छा क्या हुआ था, कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, कि उनको ना तो कत्ल किया गया था ना सूली चढ़ाई गई थी, बल्कि उनका एक शबीह बना दिया था। किसने बनाया था? अल्लाह ताला ने। यकीन मानो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इख्तलाफ करने वाले उनके बारे में शक में हैं, उन्हें इसका कोई यकीन नहीं, बजस तखमीनी बातों यानी अंदाजे से ऐसी इल्लत ये क्या है, मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअ ज़न्न, कि वो इत्तिबा करते हैं ज़न का, ज़न कहते हैं गुमान को, ऐसे ही अपनी मर्ज़ी के गुमान, ऐसे होते ना अपनी मर्ज़ी की बातें, अंदाजे। इतना यकीनी है कि उन्होंने इन्हें कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। अल्लाह ताला बड़ा ज़बरदस्त और पूरी हिकमतों वाला है। अहले किताब में से कोई एक भी ऐसा नहीं बचेगा कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले इन पर ईमान ना लाए, ठीक है। व इन मिन अहलिल किताबी इल्ला लियुमन्ना मन्नना बिही कबला मौतिही, यानी उन पे ईमान लाएगा और जब ही मरेगा। वह यौमल क़यामत यकूनु अलैहिम शहीदा, ठीक है, और क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पर गवाह होंगे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ये सारा कॉन्सेप्ट आप बेशक आयत को जहन में रख लें, आयत नंबर 56, 57, 156, 157, 158 और 159। यहाँ पे हज़रत कोई आपसे पूछे भी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कॉन्सेप्ट है ना, ये आयत आपको वाज़े होनी चाहिए। छठा सिपारा है और सूरत निसा चल रही है। अब इनका हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कॉन्सेप्ट क्या है कि इनको शहीद नहीं किया गया था, ना ही इनको सूली चढ़ाया गया था। कोशिश की थी यहूद ने, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको एज इट इज़ उठा लिया था और इनकी जगह पे एक इनकी शबी बनाकर, और इसका भी ज़िक्र आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से पूछा था कि कौन मेरी जगह पे शबी जिसकी बनाई जाए, कौन मेरी जगह पे यानी सूली लेना पसंद करेगा। तो उनके हवारियों, उनके 12 हवारियों का जिक्र आता है, तो उन्होंने हवारियों ने सब ने कहा था कि हम आपके साथ हैं। बहरहाल इन्हीं में से या किसी को भी ये बात, क्योंकि तारीख में कंफर्म नहीं है ना, तो इसलिए हम भी इसी तरह से बात करेंगे कि इन्हीं में से या इनके अलावा किससे, बहरहाल किसी भी एक आदमी को अल्लाह ताला ने इनके जैसा बना दिया था। अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, इनके जैसा बना दिया था और जब इनको सूली, क्योंकि वो फैसला कर चुके थे, यहूद फैसला कर चुके थे। और आप देखें उनका उनकी नफ्सियात देखें, सिर्फ इनका नहीं, हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम के साथ भी इसी किस्म का मामला किया था, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के साथ भी इसी किस्म का मामला किया था। आपने पीछे हज़रत शमूएल नबी का भी देखा आपने कि उनके साथ, इनका नबियों के साथ अजीब व गरीब किस्म का इनका ताल्लुक़ होता था। तो इन वो फैसला कर चुके थे। और बाज़ात ऐसा होता है कि ख़ुलासी इसी में होती है कि एक दफ़ा उनके सामने से नज़र से हट जाया जाए, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने उनको एज इट इज़ उठा लिया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, और उनकी जगह पर किसी और को उनके जैसा बना दिया। इन्होंने सूली दे दी उसको, और ये समझते रहे कि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दे चुके हैं, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली नहीं दी जा सकी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ, क्योंकि पैगम्बरों की मदद अल्लाह ताला खुद करता है। तो अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया, ठीक है। और वो अल्लाह के पास हैं, आसमान पर हैं, अल्लाह के पास हैं। अच्छा, अब आएंगे, सारे हर इंसान की एक तबई मौत होनी होती है। वो इतने अरसे, क्योंकि अच्छा उनका एक ये जो यहूद है ना, उनका फ़ैसला अभी होना बाकी है, उनके मामलात अभी। आप देखें तमाम तर अकवाम को, तमाम तर जितनी भी नबियों की जितनी भी इत्तबा करने वाली, या जो नबियों की जितनी भी कौमें थी इत्तबा करने या ना करने वाली कौमें जितनी भी थी, उन सब का फ़ैसला हो गया था, या अज़ाब आ गया था, या अज़ाब के ज़रिए या उनकी माफ़ी कबूल हो गई थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का अगर मामला देख लें, ठीक है, तो कोई ना कोई फ़ैसला एक हो गया था। मगर आप देखिए यहूद का अभी तक बाकी है, और स्पेशली नसारा का भी अभी हैं। अगर आप मुसलमानों के मुकाबले पे अगर देखें तो यहूद और नसारा ही हैं, ठीक है ना। तो इनके फ़ैसले अभी बाकी हैं कि ये, क्योंकि इनका अभी तक डिफ़ाइन, यानी ये अभी चल रहे हैं, और इनका ऐसे क्योंकि इन पर कोई अज़ाब आया नहीं है इस तरह से, जिस तरह से और कौमों पर आया, हालांकि इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी नाफरमानियाँ कर रखी हैं। तो अल्लाह ताला ने इनके नबी को भी अभी वापस भेजना है। और अब जब आएंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तो वो होगी कुर्ब क़यामत में, यानी क़यामत ऑलमोस्ट ज़ाहिर हो चुकी है, क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियाँ आ चुकी होंगी। इमाम महदी क्योंकि बड़ी निशानियों में से हैं, तो इमाम महदी ज़ाहिर हो चुके होंगे, और जो है मलहमतुल कुब्रा ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी होगी। और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, तो वो फरिश्ते दोनों हाथों से उन्हें थामे हुए होंगे, और वो आसमान से ज़मीन पर उतरेंगे, दमिश्क में नाजिल होंगे, बालों से उनके पानी टपक रहा होगा, फजर की नमाज की अकामत कही जा रही होगी। हज़रत इमाम महदी उनको दावत इमामत देंगे, वो पहचान लेंगे, अल्लाह के बंदे होंगे ना, तो वो पहचान लेंगे, क्योंकि उन्होंने ये निशानियाँ पढ़ रखी होंगी ना। और तमाम तर मुसलमानों को भी कोई इख्तलाफ नहीं हुआ, वो भी, यानी कि इसके इससे भी पता चलता है कि उस वक्त मुसलमान सच्चे भी होंगे और इल्म वाले भी होंगे, कि जो पहचान भी लेंगे, और वो सब के सब इस दावत पर लब्बैक कहेंगे। मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दावत इमामत को कबूल नहीं करेंगे, कहेंगे तुम्हारे लिए नमाज कही गई है, तुम्हारे लिए इकामत की है, तो तुम ही जो है ना ये इमामत करवाओगे, और वो एज़ अ मुक्तदी ही नमाज अदा करेंगे। ये बहुत बड़ा एक जवाब है तमाम लोगों को, कि वो ख़ुद भी मुसलमान होंगे, वो ख़ुद भी उम्मत मोहम्मदिया में से ही होंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो इसके बाद वो क्या करेंगे, उसके बाद जो है वो खंजीर का ख़ात्मा करेंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे, सलीब को मिटा देंगे, क्योंकि सलीब कुछ भी नहीं है, उन्होंने अपना एक बिला वजह का सिंबल बना रखा है। आप देखें ना कि ये किस कदर इनका फेमस है, और ये एक निशानी है, परहैप्स ये गले के अंदर भी डालते हैं ईसाई वगैरह जो है। तो ये यहूद और नसारा दोनों का ही किला कमा होगा, ईसाइयों की है ना बेसिकली निशानी, तो सलीब का भी ख़ात्मा होगा, और वो इनके लिए अच्छा फिर क्या होगा कि जिज़िया ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और रोमा नामी दज्जाल को भी बाद में कत्ल कर देंगे। इसके बाद याजूज माजूज भी इन्हीं की बद्दुआ से ख़त्म होंगे, क्योंकि वो एक पहाड़ पे चले जाएंगे, और फिर वहाँ पर जो है दुआ करेंगे उम्मत को लेके पहाड़ पर, फिर वो जो है ना उनकी दुआ से जो है उनमें कीड़े पड़ जाएंगे, याजूज माजूज का इस तरह से आता है। अच्छा, दज्जाल जो है ना पिघल जाएगा, उनको देखते नमक की तरह जैसे पिघलता है ना, हदीस में आता है कि वो पिघलता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन वो दज्जाल को फिर भी कत्ल करेंगे, ताकि ख़ात्मा हो, पक्का पक्का ख़ात्मा हो, ठीक है। अच्छा, कुछ याद रखें कि जब कुछ ऐसी कुव्वतें आ जाती हैं ना, फिर ऐसी कुव्वतों से निपटने के लिए अल्लाह ताला ने बड़े ज़बरदस्त किस्म के, यानी ये वो चीज़ें होंगी, यानी दज्जाल किसी के काबू आने वाली चीज़ नहीं होगी, याजूज माजूज भी किसी के काबू आए, तो फिर इनके लिए एक और नबी को अल्लाह ताला ने भी रखा हुआ है। हमारे लिए भी इसमें बहुत बड़ी खुशखबरी है ना, क्योंकि हम तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। हमारे लिए इसमें कितनी बड़ी, हम कितने शौक़ और ज़ौक़ से हम ये, मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात करती हूँ, जब मैं इमाम महादी की बात करती हूँ, बड़े शौक़ और ज़ौक़ से हम बता रहे होते हैं अभी आएँगे, ठहर जाओ अभी आएँगे, ठीक है, इमाम महादी भी अभी आएँगे, अभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएँगे, फिर वो इनका जो है कलाकामा करेंगे, ठीक है ना। तो ये बड़ी हमारे लिए भी इसमें खुशखबरी है कि वो आएंगे। और फिर इसके बाद जो है वो रोमा नामी जगह पर पड़ाव डालेंगे। वहाँ से ये भी आता है, एक हदीस है वहाँ पे आता है कि वो हज या उम्रा भी करेंगे या दोनों इबादतों को मिला के करेंगे। फिर उसके बाद वो तबई मौत मरेंगे। एक हदीस में ये भी आता है कि यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बाद में तबई मौत मरेंगे, मुसलमान उनका जनाजा तक पढ़ाएंगे और फिर वह क़यामत में दोबारा खड़े होंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ये तक आते हैं एक हदीस में, इस तरह ज़्यादा इसकी बात हदीस में मुबारक इस तरह से नहीं मिलती, मगर एक हदीस है। और क्योंकि उस्ताजा ने ये वाली हदीस कोट की हुई, तो इसलिए मैंने भी फिर आपको कोट कर दी, क्योंकि उस्ताजा ने कोट की थी कि वो मुसलमान वो तबई वफ़ात पाएंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और फिर मुसलमान उनका जनाजा करेंगे। तो मैंने सोचा उन्होंने सर्च की होगी, इसलिए मैंने भी कोट कर दी, ठीक है। और मैंने शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा क्योंकि मैंने रिटर्न में लिखा हुआ ना, तो मुझे ऐसे जहन में पड़ता है मैंने कहीं पढ़ी भी है ये हदीस ना, ठीक है। तो ये हो गया सारा। तो इसमें जो है ना कि अहले किताब में से भी एक भी ऐसा नहीं बचेगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले उन पर ईमान ना लाए। तो उनकी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत की तरफ इशारा है, उनकी दोबारा ज़मीन की तरफ आएंगे इस पर इशारा है, उम्मत मोहम्मदी और वो दज्जाल की तरफ, वो सारा जो मामला होने वाले हैं उसकी तरफ इसमें इशारा है, ठीक है ना। ये सारी बात है। और उस वक्त उनके दौर में सब के सब फिर मुसलमान हो जाएंगे, इनके दौर में सब के सब मुसलमान हो जाएंगे, दमिश्क में मनारा शर्किया के पास उतरेंगे, ठीक है। और लुद के मकाम पर वो दज्जाल को ख़ात्मा करेंगे। पेन दीजिएगा ज़रा, लिख भी लुद का मकाम होता है। अच्छा, वहाँ पे ना अभी एयरपोर्ट बना हुआ है, ये इसराइल का जो है ना, वहाँ पे एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनाया हुआ है। लुद और एयरपोर्ट है वहाँ पे। तो मैंने सोचा, मैंने कहा इन्होंने एयरपोर्ट बना रखा है इन्होंने, कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो डायरेक्ट आसमान से उतरेंगे। तो बड़ी फेमस जगह है वैसे ये जो मनारा शर्किया है और लुद का मकाम। यूट्यूब वगैरह पर अगर आप सर्च करें तो शायद आपको मिल भी जाए, मगर ये वहाँ की बड़ी फेमस जगह है। और जैसे वो इनका वो जो है ना एक जैतून जो है वो क्या कहते हैं, इनका कब्रिस्तान भी तो है ना उनका, वो भी वहीं पर है। ये इनका जो सेक्रेट जो कब्रिस्तान है ना वो भी वहीं पर है, इसराइल में है, उसी तरफ है उनका ना, जहाँ पे यहूदियों का जो सेक्रेट, इसको क्या कहते हैं, इसको मुकद्दस कब्रिस्तान है उनका। और हर जो इसराइली है या हर यहूदी जो है ना, वो वहाँ पर दफन होना पसंद करता है। और वहाँ की वो कब्र की कीमत बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे वो कब्रिस्तान बड़ा कीमती, उनका बड़ा कीमती कब्रिस्तान है। तो वो भी उसी साइड पे वो है। तो मैंने सोचा उनका ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना, यानी वहीं पे दफन हो जाए। मतलब अल्लाह ताला ने, यानी हम जब अपनी नज़र से पढ़ते हैं और वो वहाँ पे जमा भी हो रहे हैं, है ना। तो मैं ये सोचती हूँ कि यानी वो किस लिए जमा हो रहे हैं और अल्लाह ताला उनको किस लिए जमा कर रहा है ना। बात चीज़ें जब आप कुरान और हदीस की नज़र से पढ़ते हैं ना, तो आपको इतनी परफेक्ट लगनी शुरू हो जाती हैं कि वाकई ये ऐसा लगता है ये सारा आखिर वक्त के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, ठीक है ना। क़यामत काफ़ी करीब है। और ये भी कहा जाता है कि अब जिस तरह के हालात चल रहे हैं, न्योम सिटी भी अभी बन रहा है। न्योम सिटी का आपको मैंने बताया था ना, न्योम सिटी वहाँ पे जो है ना बहुत बड़ा महल बना रहा है मोहम्मद बिन सलमान, उसको बहुत ही जो है ना डेवलप्ड सिटी के तौर पे उसको बना रहा है। और बड़ा बहुत उसमें, तो वो मुझे जो रिसर्च वगैरह कि दज्जाल का जैसे वो सिटी होता है ना, तो उस तरह से उस दज्जाल का एक महल भी होगा। सऊदीया में कहीं पर दज्जाल का एक महल होगा। जहाँ से वो मस्जिद नबी को देखेगा और कहेगा कि ये सफ़ेद महल, ये सफ़ेद संगे मरमर का। अच्छा, उस वक्त देखिए नहीं था ना। आप देखें कि आज मस्जिद नबी का जो फ़र्श है वो सफ़ेद संगे मरमर का ही है और वाइट नज़र भी आती है। अगर आप दूर से देखें तो वो नज़र आती है। और उस ज़माने में अगर ये हदीसें पढ़ते तो कहते कि ये यानी उस ज़माने की हदीसें, आज की तो नहीं है ना, मगर उस ज़माने में तो ये चीज़ नहीं थी। वो चीज़ें वो हो रही हैं वैसे के वैसे, मक्का मदीना और ज़रख़ेज़ हो रहे हैं, क़यामत की कुर्ब की अलामात में से है ना। और बहुत नफ्सा नफसी की हालत है, बहुत ही अजीब व गरीब किस्म के मामला चल रहे हैं ना। तो वो सब जो दुनिया अब जो है ना लपेटने की तरफ मामला जा रहा है और वक्त कितनी तेज़ी से गुजर रहा है। आखिर वक्त में क़यामत की कुर्ब में वक्त तेज़ी से गुजरेगा ना। महीने जैसे दिन के हो जाएंगे, साल जैसे महीने के हो जाएंगे, इस तरह से होंगे। और दज्जाल की भी ऐसी, दज्जाल भी जो चक्कर काटेगा तो वो तेज़ी से जो है ना पूरी दुनिया का चक्कर काट लेगा। तो वक्त की तेज़ी भी तो इसमें शामिल है, ठीक है ना। तो ये घड़ी जो है ना, ये तेज़ी अगर चल रही है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, सही है। अच्छा, फिर आगे आप देखें कि जो नफीस चीज़ें इनके लिए हलाल की गई थी वो इन पर हमने हराम कर दी। इनका मामला आता है कि जो ये इनका अहले किताब का मामला आता है, ठीक है, कि इन पर अच्छा वो क्या था, इनके जुल्म के बाइस। अच्छा, इसमें आप याद रख लें कि एक तो वो वाला मामला था जो जिसमें समंदर में जाते थे और वो उनको कहा गया था कि भाई आप एक दिन की छुट्टी करें, मगर वो मछलियां वैसे तो हलाल ही होती हैं ना, तो उनको लेकिन वो उसको करके आते थे। दूसरा ये कि इन पर हर नाखून वाले जानवर हराम थे, ठीक है। इन पर गाय और बकरी की चर्बी कुछ अर्से के लिए हराम कर दी गई थी। अल्लाह ताला ने क्या कह रहे हैं, अल्लाह ताला इनके जुल्म की बाइस और इनका जो अल्लाह ताला की राह से रोकने के बाइस, यानी बतौर सज़ा हमने इन पर पास हलाल चीज़ें हराम कर दी थी। और सूद जिससे मना किए गए थे इसे लेने के बायस और लोगों का माल नाहक खाने के बायस, ठीक है। लेकिन इनमें कुछ कामिल और मजबूत इल्म वाले, किन में, यानी यहूद में। और वो कौन है, अब्दुल्ला बिन सलाम। सबसे ज़्यादा जो जिक्र आता है ना, अब्दुल्ला बिन सलाम जो थे ना, ये यहूद के बहुत बड़े आलिम थे और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ईमान ले आए थे। और जब ये ईमान लाए थे तो सहाबा कराम बड़े खुश हुए थे और इनके काफ़ी दफ़ा मुज़ाकरे भी हुए थे यहूद के साथ कि आप ईमान ले आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं। लेकिन वो अपनी ज़िद पे अड़े रहे। मगर अब्दुल्ला बिन सलाम का ईमान लाना मुसलमानों को बड़ा तक़वियत दे दिया था और यहूदियों के बहुत ज़्यादा उनके जो है ना, उनको जिसे कहते हैं नुकसान पहुँचा था, ठीक है, इसलिए उनका ज़िक्र बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम कि अहले किताब अपने दीन के बारे में हद से ना गुजरो, यानी गुलू ना करो। या अहले किताब ला तुग़्लू फ़ी दीनिकुम वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़। अच्छा, अब आप देखें गुलू क्या होता है, किसी चीज़ को इसकी हद से आगे बढ़ा देना। जैसे ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा के बारे में उनको रिसालत और बंदगी से उठा के नाउज़ुबिल्लाह अलूहियत के मकाम पर इन्होंने पहुंचा दिया था, इलाहियत के मकाम पर पहुंचा दिया था, उनकी इबादत करने लगे थे। इसी तरह से अल्लाह ताला आगे भी कहता है ना, वत्तखिज़ू अहबारहम व रुहबानहम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। उन्होंने अपने उल्मा और दरवेशों को अल्लाह के सिवा रब बना लिया था। ये भी इनके अंदर थी, आज भी इनके अंदर ये होता है कि इनके जो उल्मा और दरवेश जो होते हैं ना, तो वो फतवे जो है ना वो किताबों से नहीं लेते, बल्कि उल्मा और दरवेश पेपर देते हैं, उनको फतवे जो है ना वैसे देते हैं कि भाई ये चीज़ जायज़ है और ये चीज़ गलत है। और यही रविश हमारे अंदर भी कितनी ज़्यादा आ गई है। हम कुरान और हदीस को खुद से पढ़ना कब, यानी खुद से पढ़ के भी देख लें ना, भाई कुछ तो हमें आसान है ना, इतना मुश्किल तो नहीं है कुरान और हदीस को पढ़ना। तो अगर हम खुद से पढ़ेंगे और ख़ुद से पढ़ कर इसको देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि बहुत सारी हमारे मसले तो वैसे ही हल हो जाते हैं, ठीक है ना, सही है। तो ये उनको अच्छा, आप गुलू जो है नापसंदीदा क्यों है, हद से बढ़ जाना किसी भी चीज़ में, क्योंकि आप देखें कि इससे जो है ना दीन इस्लाम का गलत जो है ना इम्पैक्ट पड़ता है। यानी ये तो उनके दीन की बात आ रही है, लेकिन अगर आप हमारे दीन में तो देखें ना कि हमारे दीन में भी आप देखें कि हमारे इस तरह से हो रहा होता है कि हम लोग क्या हम लोग भी ये हरकतें नहीं करते। रबी अव्वल पे हम क्या करते हैं, मेराज के मौके पे हम क्या करते हैं, शब बारात के बारे में हम पता है कि कोई सही हदीस से साबित ही नहीं है, मगर हमने मनानी होती है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ईद का अभी देख लें, ईद में गुलू नहीं कर रहे हैं, यानी ईद आएगी जबकि जब देखी जाएगी। भाई कोई भी सूट पड़ा है, कोई भी जोड़ा पड़ा है, पहन लो, कोई उसके लिए कितना मतलब प्यारा महीना है, और वो उसको हम सारा अगर हम इन्हीं शॉपिंगों में और इन्हीं चीज़ों में अगर हम ज़ाया कर देंगे तो कपड़े तो और दोबारा भी मिल जाएंगे, दोबारा भी आपको मौका मिल जाएगा, लेकिन ये महीना तो दोबारा मैसर नहीं आएगा ना। तो हम लोग भी यही करते हैं, शादी का मौका है उसमें हम गुलू करने बैठ जाते हैं, बस इसको यूँ बढ़ा दो, एक ही दिन होता है, एक हमने ये चीज़ बना रखा है कि एक ही तो दिन होता है, उसमें हमें अच्छा लगना है, हमें ये करना है, सब जो है ना बिल्कुल आउट हुए हुए होते हैं। तो ये जो गुलू जो है ना नापसंदीदा इसलिए होता है क्योंकि आपका सारा वक्त, सारी एनर्जी, सारी सलाहियतें, सारा माल गैर ज़रूरी कामों में इस्तेमाल हो जाती है, और ज़रूरी काम के लिए ना आपके पास फिर वक्त रहता है, ना आपके पास माल रहता है, ना सलाहियत रहती है। फ़र्ज़ नमाजें और फ़र्ज़ उमूर के लिए आपके पास फिर कोई वक्त नहीं रहता, कोई चीज़ें नहीं रहती। तो इस्लाम का रास्ता याद रखें एतदाल का रास्ता है, म्याना रवी का रास्ता है। इस्लाम इस बात आप देखें, इस्लाम की इबादात में भी एतदाल है। जब वो 3 लोग नहीं आए थे जिनकी शिकायतें आई थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि वो पूरी रात जो है वो इबादत करते हैं, और एक थे वो सारे हर वक्त रोज़ा ही रखते थे, ठीक है ना। तो ये जो मामला था, तो है ना आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया था, और तीसरा क्या था, शादी नहीं की थी उन्होंने, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा था मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा, ठीक है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया था, कहा था ये, और अपनी मिसाल दे के बताया था कि मैं रात को सोता भी हूँ और इबादत भी करता हूँ, मैं रोज़ा भी रखता हूँ, रोज़ा नहीं भी रखता, और मैंने शादी भी कर रखी है, ठीक है ना। शादी मतलब मैं बीवियों के साथ भी रहता हूँ, बीवियाँ भी है मेरी। तो इससे इस चीज़ से इस्लाम यानी रोका गया है ना कि हम इस हद तक बढ़ जाएं। यानी इस्लाम में तो ये है कि आप जायज़ चीज़ों को अल्लाह के लिए करते हैं तो ये भी इबादत है। यानी अगर आप निकाह सिर्फ इसलिए ही करते हैं कि अल्लाह इससे खुश हो जाएगा तो ये तो एक इबादत है, और अल्लाह के बताए हुए तरीके से करते हैं तो ये तो एक बहुत बड़ी इबादत है। आपने तो एक मिसाल ही कायम कर दी दुनिया में, एक इस्लाम को नए सिरे से ज़िंदा कर दिया है ना। और इसी तरह से आप जो है और दुनिया के जो उमूर हैं वो करते हैं जो कि अल्लाह की पसंदीदा काम है। किसी की आदत कर रहे हैं, किसी की ताज़ियत कर रहे हैं, किसी के साथ अच्छे अखलाक से पेश आ रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, कोई आप अगर हुनर है उसको इस्तेमाल करके उसमें से सदका भी कर रहे हैं, तो ये सब कोई नाजायज़ उमूर तो नहीं है, ठीक है ना। आप इबादत भी कर रहे हैं, आप अच्छे बोल चाल भी कर रहे हैं, अच्छा अखलाक सिखा रहे हैं, आप तबलीग भी कर रहे हैं, आप ख़ुद भी मसलन मुझे भी बाज़ औक़ात बड़ा दिल चाहता है सिर्फ है ना नमाज़ें पढ़ती रहूँ। यानी आप देखें कि यानी तरावी लंबी लंबी का पढ़ने का बड़ा दिल चाहता है ना कि बस शुरू हो जाए, बस हम पढ़ते रहेंगे। कुरान खुद से पढ़ने का एक अपना मज़ा होता है, ठीक है ना। लेकिन ये भी तो इबादत है कि दौरा कुरान हो रहा है, इतने लोग पढ़ रहे हैं। एक होता है कि आप अपना गौर फ़िक्र करें और एक होता है आप अपना गौर फ़िक्र दूसरों को भी शेयर कर लें, उसमें तो अल्लाह ताला कितना खुश होता है, ठीक है ना। तो देखिए शैतान कहाँ कहाँ से आपको वर्गलाता है ना, शैतान कहाँ कहाँ से क्या आपको करता है। तो इस्लाम का रास्ता जो अतदाल का रास्ता, इस्लाम में गुलू पसंदीदा नहीं है, सिंपल इज दिस, ठीक है ना। इन्होंने किया था जो कि अल्लाह ताला को सख्त नापसंद ठहरा। अच्छा फिर आप देखें मसीह ये जा रहा है ना अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा होने में कोई तंगो आर या तकबर इनकार हरगिज़ नहीं हो सकता। इन्होंने ये गलू किया था ना कि अल्लाह तीन है, नाउज़ुबिल्लाह, और ये बात पहले गुजर चुकी है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनको तो यानी बंदगी इतना बड़ा मामला है, बंदगी इतनी प्यारी चीज़ है कि इंसान को बंदगी पे फ़ख्र होता है और वो बंदा रहने में खुश होता है। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई जगह पे बंदे के नाम से पुकारा है, बंदगी ग़ुलाम के नाम से पुकारा है, ठीक है ना, अपने बंदे के नाम से पुकारा है, ठीक है। तो बंदगी एक इट्सेल्फ एक एज़ाज़ है और नबूवत भी एज़ाज़ है, और किसी को अलूहियत के मुकाम पर पहुंचा देना जो कि इन्होंने पहुंचा दिया था, यानी ये चीज़ जो है ये अल्लाह को, ये तो शिर्क है, ये तो अल्लाह को नापसंद है। तो नबी है तो नबी को नबी के तौर पे रखें और अलूहियत के मुकाम पर ना पहुंचाएं, ठीक है ना। यानी दीन का ये तो दीन में फ़ख्र का मकाम होता है कि हम बंदा बशर हों और हम अच्छे काम करते रहें, ठीक है ना। तो अम्बिया तो हमेशा अपने आप को दीन वाले होने पर, अपने आप को अल्लाह का बंदा होने पर इस पर फ़ख्र करते थे और इसको खुशी का बायस होता था उनका, ठीक है ना। लेकिन आज आप देखेंगे हम लोग इवन जो दीन की तरफ आ जाते थे, जो लोग भी दीन, आज हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर हम दीन की तरफ आ जाएं या दीन, तो हमारे यहाँ उसको बैकवर्ड समझा जाता है या बंदगी को कम समझा जाता है। आज हमारे यहाँ भी आप देखें बुज़ुर्ग वलीउल्लाह फ़लाने उसके दर पे चले जाओ, फ़लाने कब्र पे चले जाओ, वहाँ से तुम्हें ये मिल जाएगा। हालांकि जो अल्लाह वाले जो लोग होते हैं वो आपके दरमियान हो सकता है रहते बसते हो, आपको तो नहीं पता ना अल्लाह किससे खुश है, अल्लाह किससे नाराज़ है, ठीक है ना। तो ये बात आपकी क्लियर हुई। आगे हम चलते हैं। हाँ, मैं जो अगली थी ना, आप फतवा पूछते हैं, आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला ख़ुद तुम्हें कलाला के बारे में फ़तवा देता है। अगर कोई शख्स मर जाए जिसकी औलाद ना हो और एक बहन हो तो इसके छोड़े हुए बाल का आधा हिस्सा और वो भाई इस बहन का वारिस होगा इसकी, अगर इसकी औलाद ना हो। तो ये आप देखिए पीछे जो है गुजरे हैं ना आपके हिस्से जो हैं जितने होते हैं शरई हिस्से माल में से, तरके में से। तो ये एक अलग से क्योंकि सवाल एक उठाया गया था तो उसमें बताया जा रहा है कि कलाला जिसकी मतलब सिवाय वारिस में जिसकी कोई एक ही बहन है और कोई भी नहीं है, यानी जिसका वारिस कोई भी नहीं है, ना कोई औलाद है, ना कोई बीवी है, ना कोई माँ बाप है, ना कोई भाई है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ एक बहन है। तो जो वो और वो मर जाए, वो भाई भी मर जाए, तो उसके छोड़े हुए माल में से आधा हिस्सा जो है ना, पूरा आधा जितना भी उसका है सारा का सारा आधा उसकी बहन का होगा। तो ये बात मैंने आपको कही थी कि हर जगह औरत का हिस्सा आधा नहीं होता है मर्द से। यहाँ पे आप देखें जितनी भी बड़ी जायदाद है उसमें आधा जो हिस्सा है वो आधा हिस्सा अच्छा खासा होता है, तो वो जो है वो उसकी बहन को जाएगा। अब इस ये जो हिस्से रखे गए ना इसमें हिकमत है कि जहाँ पे जिम्मेदारी ज़्यादा है ना वहाँ पर आपका जो है ना हिस्सा ज़्यादा है। अब यहाँ पे आप देखें एक ही भाई था, वो सहारा था, ठीक है ना, वो चला गया, अब कोई साथी नहीं है उस बहन का, ठीक है ना, तो इसलिए उसका हिस्सा ज़्यादा रखा गया, ठीक है। और बाकी आधा हिस्सा कहाँ जाएगा, उसका इस्टेट का मामला है, उसकी वसीयत का मामला है, वो सारी चीज़ें डील की जाएंगी, ठीक है। इस्टेट को भी जा सकता है क्योंकि वो औरतों को इसका वारिस नहीं था ना, ठीक है, या दूर पर है कि जो रिश्तेदार है उनका हिस्सा बनेगा, ठीक है। लेकिन आप देखें कि एक बात जो समझ दें कि ये जो हिस्से रखे गए ना, अब आप देखिए मर्द पर जिम्मेदारी ज़्यादा होती है तो मर्द का हिस्सा इस तरह, लेकिन औरत का यानी कि बहन के हिसाब से उसकी, तो औरत जो है आप देखिए ना कि वहाँ से भी हिस्सा ले रही है ना, अपने माँ बाप के इधर से हिस्सा तो ले रही है, फिर आप देखिए अपने शौहर के हिस्से से भी हिस्सेदार है, हम ये क्यों भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो उसकी और औरत की, अच्छा औरत के पास जितना भी हिस्सा आएगा वो अपने मतलब जिसको मैं कहूँगा हंसी इसमें कि अपने कपड़ों लत्तों मेकअप शेकअप में जाएगा, यानी उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक लाइटर वे में अगर हम देखें तो उसमें कोई मईशत की जिम्मेदारी तो नहीं है ना भाई औरत पे, इस्लाम तो नहीं डाल रहा ना कि उसने कोई घर चलाना है, ठीक है ना, मगर मर्द को तो घर चलाना है। तो मर्द को अल्लाह ताला सपोर्ट दे रहा है कि एक तो तुम कमा के लाओगे वो, और दूसरा जो तुम्हें हिस्से में कहीं से मिल रहा है, हर जगह पे आप देखें मर्द का हिस्सा बन रहा है, तो वो फिर वो भी तुम्हें एक सपोर्ट सिस्टम हो गया ना तुम्हारा, मईशत में तुम्हें सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। सूरत अल-माइदा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऊफू बिलुकूद, ए ईमान वालों अहद व पैमान को पूरे करो, तुम्हारे लिए मवेशी चौपाए हलाल किए गए बजब उनके जिनके नाम पढ़कर सुना दीजिए, मगर हालत एहराम में शिकार को हलाल जानने वाले ना बनना, यकीनन अल्लाह ताला जो चाहे हुक्म करता है। और ए ईमान वालों अल्लाह ताला के शायर की बेरहमती ना करो, ना अदब वाले महीनों की। अच्छा पहले हम ज़रा ये अहद का मामला पढ़ लेते हैं। अहद यानी कि वादे को कहते हैं, ठीक है, और वादा जब होता है तो वो बीच में अल्लाह का नाम शामिल होता है, अल्लाह का नाम लेके इंसान बंदों का बंदे से अहद करता है ना, या अगर कोई अहद करता है तो आपका दीन देख के ही अहद करेगा ना, सही है ना। मसलन आप एक अहद कर रहे हैं एक ईमान वाले से, एक दीन वाले से, और एक अहद है कि जो कि किसी काफिर से हो, तो आपको किस पे ज़्यादा ट्रस्ट होगा, ज़ाहिर है ईमान वाले के उस पर ना, तो अल्लाह का नाम बीच में आ गया ना। अच्छा मुआहदा, लेकिन ये चीज़ होती है कि अगर गैर मुस्लिम से भी किया जाएगा ना तो पूरा किया जाएगा, यानी मुआहदा यानी आप देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मुआहदे हुए थे, गैर मुस्लिम से भी थे, अहले किताब से भी थे, और वो मुआहदे पूरे किए जाते थे, ठीक है। और मुआहिदा अफराद के दरमियान भी हो सकता है, वो कौमों के दरमियान भी हो सकता है, और मुआहिदा अल्लाह के साथ भी मुआहिदा हो सकता है जिसको अहद अलस कहा जाता है। ठीक है, हदीस में आता है जो कौम अहद शिकनी करती है इसमें कत्लो गारत फैल जाती है और इस पर इसके दुश्मनों को मुसल्लत कर दिया जाता है। और एक और हदीस में आता है ना, वो चार निशानियाँ मुनाफिक की हैं कि जब बात करता है झूठ बोलता है, जब अमानत रखवाई जाती है तो खयानत करता है, बहुत झगड़ालू होता है, और जब अहद करता है तो वो अहद पूरा नहीं करता। तो मुनाफिक की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि वो अहद को पूरा नहीं करता। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि अगर हम वादा करें तो उसको पूरा करें। पहली बात तो ये कि आप वादा सोच समझ के करें, ऐसा वादा ना करें जो आप पूरा ही नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात लोग आप पर वादा मुसल्लत भी करने लगते हैं। अच्छा याद रखें, वादा और कसम मुसल्लत नहीं की जा सकती। तुम्हें कसम है, ऐसे बोलते हैं लोग, ये मुसल्लत नहीं की जा सकती और ना ही वादा मुसल्लत किया जा सकता। तुम वादा कर रही हो, अच्छा वादा करो, अच्छा भाई वादा करो, लेकिन इसको आप देखें ना कि किसी के साथ कोई तो बोले वादा, भाई आप उनको कहें वादा नहीं, कोशिश करूँगी, अल्लाह चाहेगा जो ही होगा, तो वादा नहीं कर सकती, वादा अगर ना पूरा कर सकी तो मैं गुनाहगार। यानी वादे का मामला ये है कि अगर अहद शिकनी करता है ना इंसान किसी के साथ भी करता है तो अल्लाह के यहाँ गुनाहगार होता है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें, यानी कमिटमेंट जो होती है ना, अल्लाह के यहाँ जो बंदा जो मुमताज़ होता है, जो पसंदीदा होता है, वो होता है जो कमिटमेंट करके फिर उसकी खिलाफ वर्जी ना करें। हाँ, कमिटमेंट से पहले आप जिसको जितना सोचना है वो सोच लें, ठीक है ना। कमिटमेंट जो है ना करके तो फिर उसकी खिलाफ वर्जी करना अल्लाह के यहाँ पसंदीदा नहीं। हाँ, कोई ऐसी कमिटमेंट हो गई है जो आपसे जहालत वाली कमिटमेंट हो गई है, या आपको लगा कमिटमेंट के बाद आपको लगा कि ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है, या आपने कमिटमेंट के बाद इस्तखारा किया किसी, मतलब आपने कोई कहीं जाने का इरादा कर लिया था, कुछ भी वादा कर लिया सपोज है, और अब आपने सोचा बाद में याद आया जी इस्तखारा तो किया ही नहीं था, अब आप इस्तखारा करें, इस्तखारा में आपका दिल मुतमईन नहीं हो रहा या असबाब नहीं बन रहे, तो समझ जाए कि फिर उसको भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए और आपको भी नहीं होनी चाहिए कि भाई हमसे एक गलती हो गई थी, हमने बग़ैर इस्तखारा के या बग़ैर सोचे समझे। बाज़ औक़ात होता है इंसान कमिटमेंट कर लेता है। तो मुझसे कई दफ़ा मुझे याद है जब शुरू में हमारा मदरसा था तो कई लोगों को जब पता चला कि ना यानी निकाह जो होते हैं या कोई भी मामलात होते हैं ज़िंदगी के सफ़र वगैरह, तो उसके लिए पहले इस्तखारा किए जाते हैं। तो कई लोग मेरे पास अकेले में आए और मुझे कहा कि जी हमने तो मतलब किसी ने इंगेजमेंट के बच्चों की कर रखी थी, किसी ने सफ़र का कोई इरादा बांध रखा था, किसी ने कोई और चीज़ें, बोले हमने तो है ना बग़ैर इस्तखारा किए सारे काम किए। अब हम क्या, कोई मसला नहीं है, अब कर लें आप इस्तखारा, ठीक है ना। अल्लाह ताला जो आपके हक़ में बेहतर समझेगा वो कर देगा, और इस्तखारा ज़रूर करें। मैंने ये नहीं कहा था, उनका नहीं फिर तो अमल करना, वही बात जो लोगों को अक्ल नहीं होती ना समझिए कि अमल कर, मैंने कहा तो फिर आप क्यों ज़हमत दे रहे हैं, आप ना अपने इस्तखारा को, अपने हाथ पाँव को क्यों ज़हमत दे रहे हैं, जान नमाजों को क्यों ज़हमत दे रहे हैं आप, ना फिर ना करें इस्तखारा। मतलब इस्तखारा फ़र्ज़ नहीं है, इस्तखारा यानी वैसे फ़र्ज़ नहीं है, मगर मैं जो बात आती हूँ, इस्तखारा अल्लाह को बहुत पसंद है, ठीक है ना, अल्लाह से मुशावरत करना। इस्तखारा अल्लाह ने फ़र्ज़ नहीं किया, मगर मुकर्रब लोगों के लिए समझे, वो मुकर्रब लोग ख़ुद अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लेते हैं, यूँ है इस्तखारा को, यूँ समझ लें। अल्लाह ने फ़र्ज़ नहीं किया है, आम बंदों पे अल्लाह ने फ़र्ज़ नहीं किया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तहज्जुद का मामला है, ठीक है ना। मुकर्रब लोग इसको अपने ऊपर फ़र्ज़ समझते हैं क्योंकि वो अल्लाह के कुर्ब को समझते हैं, अल्लाह के कुर्ब को अहमियत देते हैं, वो अल्लाह की बात को अहमियत देते हैं, उनको पता है अल्लाह मुझे गलत मशवरा नहीं देगा। तो ये जुमला तो कभी बोलना ही नहीं चाहिए कि फिर है ना उसके ख़िलाफ़ आ गया तो फिर हमें अमल करना पड़ेगा। तो फिर आप इतनी जहमत क्यों कर रहे हैं, फिर आप ना करें, आराम से जो है ना चिल करें, शरबत पिए, चाय पिए, आराम से सो जाएं बस, ठीक है ना, चिल करें, ठीक है ना। यानी आप अल्लाह के बारे में ये जुमला कह के इंतहाई बदगुमानी का शिकार हो जाते हैं, इंतहाई बदगुमानी का। आप ये जुमला कभी ना बोला करें कि वो जो फिर अमल करना पड़ेगा, तो भाई फिर आप क्या चाहते हैं भाई, अमल आपको अल्लाह पर एतमाद नहीं है, अल्लाह पर भरोसा नहीं है आपको। अल्लाह पे भरोसा अगर है तो आप करें, खुशी खुशी करें कि मैं गलत कर सकती हूँ, मेरी सोच में या मेरे फ़ैसले में गलती हो सकती है, मगर रब ताला की मशवरे में गलती नहीं हो सकती। रब ताला जो मेरे लिए करेगा वो बिल्कुल सही होगा। ये तो एक मोमिन का ऐन ईमान होता है, ठीक है। तो ये अहद का मामला एक तो ये। अच्छा, अहद अलस क्या होता है? अहद अलस ये है जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, और अल्लाह ताला ने अपनी जो सारी जो नस्ल इंसानी थी जो क़यामत तक आनी थी उन सबको सुल्ब से, उनकी पीठ से, इनके अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया। अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं है पैदा करना, सब नस्ल इंसानी को पैदा किया था। और कहते हैं कि वो मैदान अरफा था, अरफा का मैदान था, ठीक है। वहाँ पर तो वहाँ पर पैदा किया, सबको पैदा किया और वहाँ पे समझे अपना कुछ तारुफ पेश किया और पूछा कि तुम पहचानते हो मैं अल्लाह ताला हूँ, तो सब ने पहचान लिया। यानी ये मार्फत अल्लाह ताला ने हर इंसान, मोमिन या मुसलमान की बात नहीं हो रही, हर इंसान के अंदर डाली अपनी मार्फत, अपनी पहचान अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर डाली, क्योंकि उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं थे, गैर मुस्लिम जो भी, सबको पैदा किया था। ठीक है ना। और उसके बाद उन्होंने इकरार किया कि हाँ आप हमारे रब हैं, तो ये इकरार करके और दोबारा से उनको वापस एक समझे मौत दे दी। अब वो बारी बारी अपने घरों में, अपने माँ बाप के घर पर पैदा हो रहे हैं वो रूहें। ये है अहद अलग, और ये अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं। लोग इसमें, इसके बारे में बड़े वो शिकार हो रहे होते हैं जी ये कैसे होता। भाई आप पैदा हुए थे, आपको पता था आप कैसे पैदा हुए, या आप इस दुनिया में आ गए। आप अपने बचपन को याद कर लें। बाज़ औक़ात आपके माँ बाप कहते हैं कि जी आप बचपन में ऐसे थे, आप कहते नहीं जी हम तो नहीं थे। वो कहते नहीं हमने गुजारा ना भाई, वो वक्त बचपन का आपकी शायद याददाश्त में ना हो, मगर आपके माँ बाप को बहुत सारी चीज़ें याद हो भी सकती हैं। ठीक है ना, कि आप क्या करते थे क्या नहीं करते थे। सही है, तो बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाते हैं, किसी और को याद होती हैं। तो आप अभी भूले हुए हैं, अहद अलस को भूले हुए हैं, दोबारा याद आ जाएगा जब आप कब्र में जाएंगे और अल्लाह के पास जाएंगे, दोबारा शायद हो सकता है याद आ जाए। इसीलिए अच्छा वहाँ पे सब यकजा हुए थे ना, सब लोग जमा हुए थे, तो इसीलिए वहाँ पे ना जब बाज़ औक़ात ये होता है, ये एक हदीस का मफ़हूम है कि बाज़ औक़ात आप कोई आपको देखा लगता है, कोई ऐसा लगता है जैसे आपने कभी कोई मिले हों आप, इस तरह। तो इस वजह से कि अहद-ए-अलस में सब इकट्ठे हुए थे ना, तो वो ऐसे हो सकता है उसमें देखा हो या पहचान हुई हो इस तरह से। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो अहद का मामला हो गया। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह के शायर के, अच्छा अल्लाह के शायर क्या होते हैं, इससे मुराद हरमात अल्लाह हैं, अल्लाह के ताज़ीम वाली चीज़ें। ठीक है, मसलन बैतुल्ला, मस्जिद नबी, हज और उम्रे के अहकामात, और जो अल्लाह की पसंद की चीज़ें होती है, मतलब नमाज हो सकता है, रोज़ा, पर्दा, जो अल्लाह की यानी इस्लाम की निशानियाँ। शायर कहते हैं, शायरा से है ना, निशानी को कहते हैं बेसिकली। तो यानी जिससे इस्लाम की पहचान हो, तो शायर अल्लाह का मजाक कभी भी नहीं उड़ाना चाहिए। तो इस्लाम की पहचान, और जो भी, नमाज इस्लाम की पहचान है ना, इस तरह से कुर्बानी इस्लाम की पहचान है, ईदें इस्लाम की पहचान है, रमज़ान ख़ुद इस्लाम की पहचान है। तो वो चीज़ें जिससे बिल्कुल एग्जैक्टली, पर्दा इस्लाम की पहचान है, दाढ़ी इस्लाम की पहचान है। तो अल्लाह ताला हमें एक अदब सिखा रहा है कि जो इस्लाम की पहचान चीज़ें हैं उनका आपने अदब करना है और उनका मजाक नहीं उड़ाना। ये है इस आयत का समझ, मतलब ना ही अदब वाले महीनों की का मजाक उड़ाना है, ना हरम में कुर्बान होने वाले पट्टे पहनाए गए जानवरों का जो कि काबा की तरफ जा रहे हैं, ये जो कुर्बानी के लिए जाते हैं, और ना उन लोगों की जो कि बैतुल्लाह की कसरत से अपने रब के फ़ज़ल और इसकी रजाजोई की नीयत से जा रहे हैं। हाँ, जब तुम अहराम उतार डालो तो खेल सकते हो, शिकार खेल सकते हो। जिन लोगों ने तुम्हें मस्जिद हराम से रोका था, इनकी दुश्मनी तुम इस बात पर आमादा ना करो कि तुम हद से गुजर जाओ। अच्छा, ये वो वाक़या जो गुजर चुका है इसकी तरफ इशारा है। मुशरकीन ने जो मेरा ख्याल 6 हिजरी में या 2 हिजरी थी, कौन सी थी, मेरा ख्याल 6 हिजरी थी, हाँ 6 हिजरी थी ना, 6 हिजरी में रोका था ना मस्जिद हराम में जाने से। तो इससे रोकने के मामले में अब ज़ाहिर मक्का आपका है, वक्त गुजर चुका है, तो इसलिए उनसे ज़्यादती नहीं करना। दुश्मन के साथ बहुत ही अच्छा सलूक करने का, हिल्म और अफू का सलूक करने का हुक्म दिया जा रहा है। कुर्बानी, अच्छा फिर आगे आप देखें कि तुम पर हराम किया गया मुर्दार और खून और खंजीर का गोश्त, और जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरे का नाम पुकारा गया, और जो गला घुटने से मरा हो, और जो किसी ज़रब से मर गया, और जो ऊंची जगह से गिरकर मरा हो, और जो किसी के सींग मारने से मरा। अब आप देखें यहाँ पे काफ़ी डिटेल आ गई है। ठीक, जिसे दरंदों ने फाड़ खाया लेकिन इसे तुम ज़िबा कर डालो तो हराम नहीं, और जो आस्तानों पर ज़िबा किया गया, और जो कि कुरा के तीरों के ज़रिए फालगिरी करो, ये सब बदतरीन गुनाह है। कितनी एक्सप्लेनेशन के साथ सारे अहकाम आ रहे हैं कि मुर्दार, खून, खंजीर, ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं, और फिर अल्लाह के सिवा जिसके ऊपर नाम पुकारा गया यानी गैर अल्लाह की नियास, ये भी आप पढ़ चुके हैं। फिर जो गला घुटने से मर गया, ठीक है, यानी मुर्दार वैसे नहीं था मगर गला घुटने से कोई मवेशी था मगर वो मर गया, तो अब आप इसको ज़िबा नहीं कर सकते। इसी तरह से कोई ज़रब से मर गया, किसी ने मारा और वो मर गया, तो आप इसको अब ज़िबा नहीं कर। कोई ऊंची जगह से गिरकर मर गया, कोई मवेशी था तो, और जो किसी के सींग मारने से मर गया हो वो, लेकिन जिसको अभी मुकम्मल नहीं है, ठीक है ना, अभी मुकम्मल अगर मरा नहीं है, ज़िंदगी के आसार मौजूद हों, तो फिर जो है ना इसे तुम ज़िबा कर डालो, जिसे दरिंदों ने फाड़ खाया हो, लेकिन तुम इसे ज़िबा कर डालो तो हराम है। यानी कि अगर वो मुकम्मल नहीं मरा तो फौरी तौर पर उसको ज़िबा कर डालोगे तो फिर हराम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ज़िबा करने का मौका नहीं मिला, वो पहले ही मर गया, तो फिर हराम है। और जो आस्थानों पर ज़िबा किया, अब इसके बाद क्या गुंजाइश रह जाती है कि कोई भी किसी दरगाह या आस्थाने या मकबरों या बुज़ुर्गों की कब्रों के ऊपर जाके कोई अस्तग़फिरुल्लाह कोई ज़बीहा करें, या पकी हुई देगे भी, इवन अगर बाज़ वक़्त आप कह सकते हैं जी ज़बीहा नहीं करते, चलें जी हम पकी हुई देगे ही कोई, वहाँ क्यों? मुशरिकीन असल में ये काम करते थे कि अपने बुतों के करीब कोई पत्थर या चीज़ नस्ब करके एक ख़ास जगह बनाते थे और वहाँ पर अपने जानवरों को ज़िबा किया करते थे। वो एक ख़ास जगह होती थी, ठीक है ना, तो इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं है। अब इसके बाद क्या गुंजाइश रह जाती है कि इंसान ये काम करे। और कुर्रा के ज़रिए, तीरों के ज़रिए फालगिरी है, जो फालगिरी भी किया करते थे ना, अच्छा इन्होंने तीर बना रखे थे ना मुख्तलिफ़ किस्म के, एक में अफ़ल करते लिख देते, एक में, दूसरे में ला अफ़ल, और तीसरे में कुछ भी नहीं होता था। अगर अफ़ल वाला तीर निकल आता तो वो काम कर लिया जाता, ला तफ़ल वाला निकलता तो वो नहीं करते थे, तीसरा अगर निकल आता तो वो दोबारा फाल डालते थे। तो तीरों से यूँ समझे कि वो किस्मत तलब करते थे, तीरों से वो मशवरा तलब करते थे कि आप बताएं कि हम क्या करें। इसकी मुकाबले पे अल्लाह ताला ने हमें इस्तखारा अता कर दिया। अल्लाह की नेमतें बहुत प्यारी हैं, गिनते जाएं, पढ़ते जाएं, समझते जाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करते जाएं, वरना हम भी ऐसे ही जाहिल होते हैं अभी तक। आज भी लोग होते हैं ऐसे, वो तोतों से फाल निकलवाते हैं ना, तोता यूँ निकाल के दे रहा होता है। मैंने कुछ वीडियोस ऐसी देखी, मैंने पहले सुना ही था, मैंने कहा कहाँ से देखूँ, मुझे खैर वैसे तो नहीं मिला कोई तोता, मगर ये कि ना मुझे एक वीडियो मिली जिसमें मैंने फिर गौर से देखा, मैंने कहा अच्छा ये करता है, वो कुछ चीज़ें लिखी हुई होंगी, हाँ, लिफाफे की तरह, उसमें बंद होता, किसी को पता नहीं होता, हो सकता है सारी चीज़ें एक ही लिखी हों, क्या पता। तो ना वो तोता एक निकाल देता, वही निकाल के पढ़ देता है कि जी तोते ने ये निकाला है। इवन जब ये क्या होते हैं, जो क्या कहते हैं उसको, जिसके वो होते हैं जेलीफिश टाइप की जो चीज़ होती है, ऑक्टोपस, यस ऑक्टोपस। ये कोई मैच चल रहा था, पता नहीं कौन सा मैच था, उसमें ऑक्टोपस एक रखा हुआ था, वो ऑक्टोपस कोई फॉल निकालता था, ऑक्टोपस, और वो शायद ऑक्टोपस, वो कोई बाबा ऑक्टोपस था बुज़ुर्ग, तो बाबा ऑक्टोपस जो था ना वो निकाल के देता था। मतलब इंसान की जहालत आप देखें कहाँ तक, एक तो मैच बसाते खुद जहालत। मुझे तो हमेशा ही इन गेमों में और इनमें, इनकी क्या एक गेंद लेके, एक बल्ला लेके खड़े हो जाते हैं और उसको मार रहे हैं, एक इंसानी मैड है ना कि बना रखा है, ख़ुद ही तैरक कर रखे हैं जी, इतने हो जाएंगे तो वो कोई छक्का हो जाएगा, इतने हो जाएंगे तो चौका हो जाएगा, ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा। कितनी जहालत में, मुझे लिटरली ये हॉकी का खेल हो गया, व्हाटएवर, ये और पता नहीं कौन कौन से खेल हैं। अगर तो देखिए एक्सरसाइज का मामला सिर्फ खेल की हद तक है, जिसमें और कुछ नहीं है, तो एक्सरसाइज की हद तक तो कोई चले आप कर लें, ठीक है, लेकिन इनको इतना ज़िंदगी मौत का वो बना लेना और इसमें हार जीत का मामला बना लेना, कि निरी जहालत है मेरे हिसाब से, तो टोटल जहालत है। और कितना हमारे यहाँ होता है जी ये जीत गया, जैसे कोई वाकई कोई है ना जंग में कोई तलवार से जीत के ही आ गए ये लोग ना, ऐसे हार जीत का मामला हो जाता है। हाँ, फिर बिल्कुल ये भी होता है ना, ये जुआ लग इस पे चल रहा होता है, अस्तग़फिरुल्लाह। तो ये सब चीज़ें जो है इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, इसकी बनस्बत। अच्छा इस्लाम, मैं आपको ये बताना चाहती थी कि इस्लाम की खूबी है कि आपको यानी किसी चीज़ को बना करके फिर ये नहीं कह देता कि बस अब नहीं करना, बल्कि आपको कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट भी देता है। ये इस्लाम की बड़ी खूबसूरती है कि इस्लाम आपको सब्स्टिट्यूट देता है कि अच्छा ये नहीं करो ये कर लो। मसलन खुशी मनाने का मामला है तो आपको ईदेन दे दी कि भाई आपको खुशी मनाने, जितना दिल चाह रहा है ना खुशी मनाने का, अच्छी तरह से ईद पर खुशी मना लें। अच्छा खुशी मनाने का तरीका भी आप देखिए, हमारे तरीके उल्टे पुल्टे होते हैं कि जी हमने नया कपड़ा पहनना है, फिर है ना चूड़ियाँ पहनिए, फिर इसके बाद बर्तन धोने, फिर इसके बाद खाना बनाना, फ़ायदा क्या हुआ? तो मतलब अजीब मामला है भाई। इससे बेहतर है कोई भी अच्छा सा सूट पहन लें, कोई अच्छा पका लें, कुछ भी बना लें, मिलजुल लें, और इट्स ओके। बस इतनी होती थी ईद में नमाज, सबसे पहले तो ज़ाहिर है ईद की नमाज होती है, तो ये ईदी का कॉन्सेप्ट कोई इस्लाम में नहीं है। ईद का बहुत बड़ा, मुझे लोग बताते हैं कि ईद का बहुत बड़ा एक खर्चा होता है। ईदी जो है ना, कि ईदी देनी है, इतने ख़ानदान में इतने सारे बच्चे हैं तो इन सब बच्चों की ईदियाँ बनेंगी और ईदियाँ तलब की जाती हैं। आपको पता है इस तरह ये चीज़ें पसंदीदा नहीं है कि किसी से ट्रीट तलब करना, किसी से ईदी तलब करना। इनफैक्ट अगर कोई दे भी रहा हो तो आपको थोड़ा सा हिचकिचा जाना चाहिए कि ये इस्लाम में तो है नहीं ना। गिफ्ट करके देना है तो एक अलग बात है, तो उसके लिए लेकिन कोई लागू नहीं कर सकते। हमारे यहाँ देखिए रस्मों को एक तरह से लागू कर दिया जाता है कि करना ही करना है, नहीं दी तो माइंड कर जाएंगे, बच्चे भी माइंड कर जाएंगे, बड़े भी माइंड कर जाएंगे। हमने तो इतनी मुझे पता बाद में ईद के बाद मेरे पास है ना सबसे ज़्यादा ये लड़ाई झगड़े आ रहे होते हैं। हमने उसके बच्चों को इतनी ईदी दी थी, उसने हमारे बच्चों को इतनी दी थी। तो भाई दोनों ही अपने अपने पास संभाल के रखो ना, ना तुम उसके बच्चों को दो ना वो अपने बच्चों को दे। आप वही आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, फिर उस पर आपको एतराज़ हो रहा है। तो आप ऐसी हरकतें करते ही क्यों कि जिससे आपके दिल को ठेस पहुंच रही है और आपका गम जो है एक महीने तक आपका गम नहीं जा रहा कि 200 ईदी कम मिली हमें। हाँ, बजट आउट हो जाता है बिल्कुल इससे। और कपड़ों का मामला और ये हर चीज़ आप देखें। नहीं, मुझे कभी भी इस बात की मुझे कभी भी ये बात अच्छी नहीं लगती कि, और इसीलिए तो देखें ना ये प्राइसेस आउट होती हैं क्यों, वरना अगर कोई लेने वाला नहीं हो तो किसकी, क्योंकि सब लोग शॉपिंग ही कर रहे होते हैं, सबको नई चीज़ चाहिए होती है। और नई चीज़ इसलिए नहीं चाहिए होती है कि अल्लाह को दिखाना है, नई चीज़ इसलिए चाहिए होती है कि अल्लाह लोगों को दिखाना है। मतलब इस बात में कोई गुंजाइश निकल आती है कि चलो भाई आप पैसे नया पहनते चले, भाई ईद पे आपके पास अगर कोई नया पड़ा है तो आप पहन लें, अल्लाह के लिए पहन लें, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हम लोगों के ये भी तो रोना है ना कि हम लोग ये जो है ना सब बंदों के लिए करते हैं, क्योंकि फिर मिलना जुलना भी तो होता है ना। तो फिर चादरें भी नहीं चाहिए, तो फिर फूल भी नहीं चाहिए, तो फूलों को भी चेंज करना है, तो फिर चादरें भी चाहिए, तो फिर हर चीज़, बाथरूम मैट भी हमारे नए लगेंगे, हर चीज़। मैंने लोगों का देखा है ना कि इतना बुरा हमने अपने आप को कर रखा है ना। ईद इसका नाम तो नहीं है ना। ईद तो आपके पास जो वसाइल हैं बस ठीक है उसमें खुशी मना लें, अल्लाह का शुक्र अदा करने का नाम है, ठीक है ना। तो ये हम सब समझ लें कि हम क्या हरकतें कर रहे हैं। फिर आगे आप देखेंगे, आज कुफ़ार तुम्हारे दीन से नाउमीद हो गया, ख़बरदार तुम इनसे ना डरना, मुझसे डरना, आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया। और ये वो आयत है ना कि जिस पे यहूदियों ने कहा था कि अगर हमारे पर नाजिल होती तो हम इस दिन को ईद का दिन बना लेते, और तुम पर अपना इनाम भरपूर कर दिया, तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर रजामंद हो गया। जो शख्स शिद्दत की भूख में बेकरार हो जाए बशर्ते कि किसी गुनाह की तरफ मैलान ना हो, तो यकीनन अल्लाह ताला माफ़ करने वाला बड़ा मेहरबान है। तो आप देखिए कि जहाँ भी ऐसा मामला हो तो अल्लाह ताला एक गुंजाइश इस्तस्नाई शक्ल भी बयान कर देता है। और ये आयत कितनी खूबसूरत है ना। असल में यहूदियों को क्यों ये आयत पसंद आई थी, कभी हमने गौर किया? क्योंकि इसमें आप देखिए कि उनको हमसे जेलसी फील हुई थी कि तुम्हारे दीन को, वो तो अब इस दीन में आना ही नहीं चाह रहे थे, तो इनको ये हुआ कि ये दीन अगर, ये आयत अगर हमारे पर नाजिल होती, यानी ये कहा जाता नाउज़ुबिल्लाह कि भाई तुम्हारे दीन को जो है मुकम्मल कर दिया, तुम्हारे दीन से रजामंद होते, तो हम इस दीन को क्या बनाते, ईद बना लेते। लेकिन ये तो तुम्हारे पर नाजिल हो गई, मुसलमानों में नाजिल हो गई। इसमें उन्होंने हमें असल में खुशी मनाने का एक मौका फराम दिया है, हमें सोचने समझने का मौका फराम दिया कि उनको ये, यानी हमें समझ आना चाहिए कि शायद में ऐसी क्या खूबी है कि जो उन्होंने ये बात कही। यानी उनको, उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि हमारे दीन को तो रिजेक्ट किया है अल्लाह ताला ने, मगर तुम जिस दीन पे है मुसलमानों, तुम्हारे दीन को एक्सेप्ट किया है, तुम्हारे दीन को असल में तो पूरी दुनिया का दीन बनाया। वो ये कह के दरअसल हमें कह रहे हैं कि हमें खुशी मनानी चाहिए, ठीक है ना। आपसे दरियाफ्त करते हैं कि आप उनके लिए क्या कुछ हलाल है। आप कहते हैं तमाम पाकीज़ा चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं। और जिन शिकार खेलने वालों के, शिकार का कॉन्सेप्ट भी आप देख लेंगे, यहाँ से क्लियर किया जा रहा है कि वो शिकार करने वाला जो होगा, मोस्टली डॉग्स वगैरह होते थे, तो शिकारी जानवर जो होगा ना, तो दो शराइत के साथ शिकार हलाल होता है कि एक तो ये कि शिकार के लिए छोड़े हुए पर बिस्मिल्लाह पड़ी जाएगी, क्योंकि शिकार मोस्टली जो है वो जानवर के थ्रू उस ज़माने में होता था, या फिर अगर आप बंदूक से भी कर रहे हैं तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के चलाएँगे, ठीक है। और शिकारी जानवर शिकार करके उसको अपने मालिक के लिए छोड़ दे, ख़ुद नहीं खाने बैठ जाए, वो सुधा इतना सुधाया हुआ हो वो जानवर, और होते हैं जो शिकारी, ठीक है, ये है। और अहले किताब का ज़बिया तुम्हारे लिए हलाल है उस वक्त जबकि वो बिस्मिल्लाह पढ़े, क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि अहले किताब में भी उस वक्त तो तौहीद परस्त भी तो होते थे ना, और वो बिस्मिल्लाह पढ़ के और ज़बिया करें, उनका मशीनी जो वो होता है ना उस तरह से नहीं, और उसको वाक़ता अगर ज़िबा कर दें तो ये फिर तुम्हारे लिए हलाल है। अगर वो अल्लाह का नाम ले लें, क्योंकि अहले किताब मोस्टली अल्लाह का ही नाम लेते हैं ना, तो अगर अल्लाह का, और वो ज़बीहा यानी कि असल में इल्लत है खून बहाना, तो अगर खून को बहा दिया गया तो फिर वो हलाल हो जाएगा। ठीक है, और पाक दामन उनकी औरतें भी हलाल हैं जो लोग तुमसे पहले किताब गई। ये देखें उस ज़माने में मैंने आपको बताया था कि वो तौहीद परस्त होती थी, जबकि तुम उनके महर अदा करो इस तरह कि तुम इनसे बाकायदा निकाह करो, ये नहीं कि एलानिया जना करो या पोशीदा बदकारी करो। मुनकरीन ईमान के लिए कि ईमान ज़ाया और रकारत है, यानी कि जो ईमान के ही मुनकर हैं उनके आमाल भी कबूल नहीं होंगे। जो ईमान वाले ही नहीं हैं तो उनके आमाल अल्लाह क्यों कबूल करेगा, और आखिरत में वो हारने वालों में से। और ये ईमान वालों, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने मुँह और अपने हाथों को कोहनिया समेत धो लो, अपने सरों को मस्सा करो, अपने पाँव को टखनों समेत धो लो। ठीक है, अब यहाँ पे वुज़ू का तरीका बताया जा रहा है बेसिकली, ठीक है, कि कैसे करना है, अपने मुंह को धोना है अपने। लेकिन आप देखिए यहाँ पे डिटेल नहीं आ रही है ना, डिटेल कहाँ से मिलती है, हदीस से मिलती है। ठीक है ना, तो जो मुनकरीन हदीस हैं उनका क्या हाल होगा, उनकी तो एक एक चीज़ पर सवाल उठ जाता है। यानी ये सिर्फ इतना बताया गया कि नमाज क्या सिर्फ मुँह धो लो, अपने हाथों कोहनियों समेत धो लो, अपने सरों को, लेकिन इसकी डिटेल के पहले हाथ धोना है, फिर कुल्ली करनी है, इसमें कुल्ली का जिक्र नहीं आ रहा। और नाक में जो पानी डालना है इसका भी जिक्र नहीं आ रहा। तो आप देखें कि ना सारी जो डिटेल, यानी कुरान की जो तफसीर है या कुरान की जो डिटेल हमें मिलती है वो हदीस से मिलती है। कुरान को अगर हम सिर्फ कुरान के तौर पे पढ़ेंगे ना तो हमें समझ नहीं आएगा, कुरान को जब हदीस के साथ मिला के पढ़ेंगे ना तो हमें कुरान समझ में आएगा। ये इसलिए मैंने आपको यहाँ पे रोका था कि वुज़ू का तरीका ज़रा सीखें और समझें कि वुज़ू का तरीका क्या बताया जा रहा है। अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो गुस्ल कर लो। हाँ, अगर तुम बीमार हो या सफ़र की हालत में हो और या तुम में से कोई हाजत ज़रूरी से फारिग होकर आए हो या तुम औरतों से मिले हो और तुम्हें पानी ना मिले तो फिर पाक मट्टी से तयम्मुम कर लो। ठीक है, तो ये तयम्मुम का मैं आपको कल बता चुकी हूँ। इससे अपने चेहरे पर, हाथों पर मल लो, और अल्लाह ताला तुम पर किसी किस्म की तंगी नहीं डालना चाहता, बल्कि इसका इरादा तुम्हें पाक करने का और तुम्हें अपनी भरपूर नेमत देने का, ताकि तुम शुक्र अदा करते रहो। ठीक है, फिर आगे जो है आयत नंबर 8 में आप देख लें कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदा बिलक़िस्त, ईमान वालो तुम अल्लाह की खातिर हक पर कायम हो जाओ, रास्ती और इंसाफ के साथ गवाही देने वाले बन जाओ। किसी कौम की अदावत तुम्हें खिलाफ अदल पर आमादा ना कराए। ठीक है, अदल क्या है, जो परहेज़गारी के ज़्यादा करीब है, और अल्लाह ताला से डरते रहो। यकीन मानो कि अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल से बाखबर है। अहले किताब को मुखातिब किया जा रहा है और हमें भी सुनवाया जा रहा है, वो ये कि हक़ की गवाही देनी है। हम क्या करते हैं कि रिश्तों का साथ देते हैं, हम हक़ का साथ नहीं देते। हम रिश्तों की गवाही देते हैं मगर हक़ की गवाही नहीं देते। मगर अल्लाह ताला को क्या पसंद है, अल्लाह ताला हमें हक़ का साथ देना सिखा रहा है, हक़ को ही सिखा रहा है। सच्ची बात के साथ खड़े हो जाओ जाके, ये भी एक इबादत है कि सच्ची बात का साथ दें। सच्चे इंसान का पीछे आप पड़ चुके हैं, सच्चे इंसान का साथ देना है, साहिब हक़ का साथ देना है। ये अल्लाह ताला हमें सिखाता है और ये अल्लाह ताला हमें कबूल कर अल्लाह ताला हमें। अच्छा, आप देखें हज़रत नौमान बिन बशीर वाला वाक़या जो है ना, आदिलाना गवाही, हक़ की गवाही की कितनी अहमियत है, इसका अंदाज़ा इस वाक़े से होता है कि हज़रत नौमान बिन बशीर कहते हैं कि मेरे बाप ने मुझे अत्या किया तो मेरी वालदा ने कहा कि इस अतिये पर आप जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह ना बनाएंगे मैं राज़ी नहीं होंगी। चनाचा मेरे वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने सारी औलाद को भी इस तरह का अतिया किया है। एक जगह पे ग़ुलाम का आता है जिक्र कि उन्होंने ग़ुलाम अतिया किया था, यहाँ पे किसी चीज़ का जिक्र नहीं आता, बस ये आता कोई तोहफ़ा दिया। ठीक है, तो उन्होंने नफ़ी में सारी ला दिया कि नहीं मैंने सब औलाद को नहीं किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से डरो और औलाद के दरमियान इंसाफ करो, और फरमाया कि मैं जुल्म पर गवाह नहीं बनूँगा। ठीक है, अब यहाँ से एक और बात भी पता चलती है कि तमाम औलाद में आदिलाना बर्ताव होना चाहिए। अच्छा, ये रविश हमारे माशरे में बहुत कम है। हम अपनी मर्ज़ी की औलाद से अपनी मर्ज़ी का बर्ताव करते हैं, चॉइस चल रही होती है। वालिदैन भी औलाद में अक्सर चॉइस कर रहे होते हैं। इन्हीं बाज़ात ऐसा होता है, अच्छा वो बिल्कुल ही अजीब और गरीब तरीके से कि अगर औलाद औलाद होती है ज़्यादा नरम दिल होती है, ज़्यादा खिदमत, ठीक है, दिल चाहता है कि भाई उसकी ज़्यादा इंसान उसकी तरफ ज़्यादा माइल होता है, मगर इस मतलब जब आप कोई हदिया करें ना, असल चीज़ जो है कि आपके हदिये में या आपकी जो ये जो विरासत के जो कानून है उसमें आप जो है ना अपनी तरफ से अदल बदल नहीं कर सकते। अगर मोहब्बत का मामला है तो किसी सूरत कोई गुंजाइश की हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो इख्तियार है। हालांकि वो वैसे वो उन्होंने अपनी बीवियों के बारे में कहा था कि मोहब्बत के बारे में अल्लाह ताला मुझसे नहीं पूछेगा, ये इख्तियार जो है ना ये मेरा इख्तियार नहीं है, यानी किसी से ज़्यादा मोहब्बत ज़ाहिर है उस मोहब्बत में फिर दूसरे बंदे का अमल भी शामिल हो जाता है ना, कि वो कोई ज़्यादा आपकी तरफ दिल जमी के साथ होता है तो फिर आपका भी रुझान उसकी तरफ ज़्यादा होता है। लेकिन जहाँ माल का, अब देखिए मोस्टली बच्चों में इन चीज़ों के ऊपर जो है ना आपस में चपकलश हो जाती है कि तुम कि अब्बा जी ने या अम्मा जी ने जो है ना आपको ये चीज़ ज़्यादा देते हैं। उम्रें गुजर जाती हैं, बहनों की आपस में जो है ना वो खटपट चल रही होती है कि जहेज़ पे तुम्हारे वाला तुम्हें ज़्यादा दिया था, मुझे कम दिया था, ये चीज़ तुम्हें, या उस दिन तुम्हें ये चीज़ ज़्यादा दी थी, उसमें ये किया है, तुम्हारा ज़्यादा किया जाता है, मेरा कम किया जाता है। तो ये इसका हल है ना कि सब के साथ आदिलाना बर्ताव रखें, सब जितने भी बच्चे हैं उन सब के साथ अच्छा बर्ताव रखें, नॉर्मल बर्ताव रखें, सब के साथ आदिलाना बर्ताव, ये नहीं कि क्योंकि सब आपकी औलाद है, ठीक है ना। अगर कुछ है भी कोई कमी पेशी तो औलाद तो बहरहाल आपकी है ना, सही है ना। तो ये यहाँ पे जी कहिए। अच्छा आगे ये भी आयत बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि एक ईमान वालों, अल्लाह ताला ने जो एहसान तुम पर किया है इसे याद करो, जबकि एक कौम ने तुम पर 10 तराज़ी करनी चाहिए तो अल्लाह ताला ने इनके हाथों को तुम तक पहुँचने से रोक दिया, और अल्लाह से डरते रहो और मोमिनीन को अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। अच्छा इसमें मुख्तलिफ वाक़यात हैं जिनकी तरफ ऑन द होल जिक्र किया जा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुँचाने की जब कभी भी कोशिश की गई तो वो कामयाब नहीं हुई, और वो कामयाब किसने नहीं होने दी, अल्लाह ताला ने नहीं होने दी, ठीक है। अब वो गार सौर वाला वाक़या याद कर लें, ये गार सौर में थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इनके पाँव नजर, उन्होंने कहा था अगर वो पाँव की तरफ देख लेंगे तो वो हम तक पहुँच जाएंगे, मगर किस तरह से जाल बना दिया था उसने, मकड़ी ने और कबूतरी ने अंडे दे दिए थे, किस तरह से अल्लाह ताला ने मदद की। ये सब एक अल्लाह की मदद थी, बंदा नहीं कर सकता ना। फिर आगे आप देखिए काब बिन अशरफ वाला वो जो वाक़या आता है, उसमें भी उसने कोशिश की थी कि किसी तरह से वो पत्थर गिरा दिया जाए। और फिर आराबी की जो तलवार वाला वाक़या था, एक दफ़ा उसने सूत ली थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो कि आपको कौन बचाएगा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अल्लाह बचाएगा, और तलवार उसी वक्त उसके हाथ से गई। यानी अल्लाह के नाम में कितनी यानी बड़ाई है, कितना जिक्र है ना कि एकदम वो तलवार अच्छी भली पकड़ी हुई हाथ से गिर गई, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थाम ली और कहा कि अब तुम्हें कौन बचाएगा, ठीक है। तो फिर जो है ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहरहाल उसको छोड़ दिया था, ठीक है ना, सही है। अच्छा फिर आप देखें कि इसमें सबक है हम हमारे लिए इन सब वाक़यात में कि अल्लाह जो है अपने बंदों की हिफाजत करता है जब वो दीन हक़ पर होते हैं, जब वो राह हक़ पर होते हैं, जब उनकी ज़बान से हक़ के कलमात अदा हो रहे होते हैं। ये देखें ना कि फ़ौरन कहा कि अल्लाह बचाएगा, परेशान नहीं हुए, घबराए नहीं। अगर हमारे साथ कोई अनहोनी होती ना तो हम है ना अल्लाह को भूल जाते हैं, बाज़ औक़ात हमारी ज़बान से अल्लाह का लफ्ज़ नहीं निकल रहा होता, क्योंकि वैसे भी तो आयली ज़िंदगी में, नॉर्मल ज़िंदगी में हम ज़्यादा याद नहीं कर रहे होते ना, तो उस वक्त भी नहीं याद आ रहा होता, और हम जो है ना दुनियावी सहारों की तरफ चले जाते हैं, पुलिस को फ़ोन कर दूँगी, ये कर दूँगी, ये हो जाएगा वो। हाँ नहीं, अगर कभी कोई यानी ये बड़ा अच्छा वो है कि अगर कभी कोई मुश्किल सिचुएशन हो, कोई अनहोनी हो जाए तो उस वक्त अल्लाह का जिक्र शुरू कर दें, अल्लाह को याद करें, अल्लाह आपको बचा लेगा। इस दुनिया में भी मैंने ऐसे वाक़यात, अभी टाइम नहीं है वरना मैं डिफ़ाइन कर सकती हूँ, अपने ज़िंदगी के वाक़यात बता सकती हूँ कि बहुत दफ़ा अल्लाह ताला की मदद होती है जब कोई ऐसी अजीब सी भी अगर कोई कैफियत हो तो उसमें अल्लाह ताला आपको अकेला नहीं छोड़ता, अल्लाह ताला एकदम आपकी मदद करता है, ठीक है ना, सही है। फिर आगे इनका यहूद का जिक्र आता है कि इनकी ऐस शिकनी की वजह से हमने इन पर लानत नाजिल कर दी, इनके दिल सख्त कर दिए और वो कलाम की अपनी जगह से बदल डालते थे। यानी अल्लाह की नज़र में ये बहुत ही बड़ा अमल है कि अहद शिकनी करना और कलाम को उनकी जगह से बदल देना। मुसलसल नाफरमानियों से इंसान का दिल भी सख्त हो जाता है, यहाँ से ये भी पता चलता है, ठीक है ना, उसकी मेमोरीज भी ख़त्म होती चली जाती है क्योंकि कचरा जो ज़्यादा आ जाता है सामने, और जो कुछ नसीहत की गई थी इसका बहुत बड़ा हिस्सा भुला बैठे वो, क्योंकि मेमोरी ख़त्म हो गई ना। भुला बैठना क्या होता है, मेमोरी ख़त्म हो गई, क्योंकि जब इंसान का दिल सख्त हो जाता है, आमाल नाफरमानी वाले हो जाते हैं ना, तो उसका असर उसकी यानी यहाँ से आपको हमें एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का भी पता चला। हम अक्सर कहते हैं ना हमारी मेमोरी कम होती चली जा रही है, इसको हम कहते हैं उम्र की वजह से, बाज़ू का तो उम्र नहीं होती है, बल्कि बाज़ात हमारी नाफरमानियाँ होती हैं या हमारे कुछ ऐसे गलत काम होते हैं जो कि हमारे दिल को सख्त करते हैं और हमारी मेमोरी को कमज़ोर करते हैं। तो ये देख लें। फिर आप देखें कि इनकी एक ना एक ख़यानत की तुझे इतला मिलती रहती है। हाँ ऐसे थोड़े से हैं बस, तू उन्हें माफ़ करता जा, दरगुजर करता जा, और बेशक अल्लाह ताला एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी सज़ा अल्लाह के ऊपर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं कहा कि आप सज़ा दें, ठीक है ना, क्योंकि ये वैसे भी अल्लाह के नाफरमान ज़्यादा थे। ए अहले किताब, तुम्हारे पास हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुका है जो तुम्हारे सामने किताब अल्लाह की बकसरत ऐसी बातें बयान ज़ाहिर कर रहा है जिन्हें तुम छुपा रहे थे, और बहुत सी बातों से दरगुजर करता है। तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और वाज़े किताब आती है। अब यहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म कि आप दरगुजर करें, क्योंकि अभी असल में सीरीज़ चल रही थी ना, बहुत से लोग ऐसे थे जो अभी भी मुसलमान हो रहे थे। तो अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्ती कर जाते हैं तो वो जो मुसलमान हो रहे थे वो रुक जाते हैं। इम्पैक्ट एक ऐसा जाता है कि भाई ये तो बड़ी सख्ती हो रही है। वही बात कि जो मुनाफिकीन वाला मामला था कि उनको भी दरगुजर किया गया, क्योंकि कुरान नाजिल हो रहा था, लोग मुसलमान अभी हो रहे थे, अभी सिलसिला ये चल रहा था। यानी दोनों चीज़ें चल रही थी बैक वक्त, यानी नाफरमानियाँ भी लोग करे जा रहे थे और फरमा बरदारी का आलम भी चल रहा था। आप देखिए अबू सुफियान ने कब जो ईमान का इकरार किया था, जब फतह मक्का बिल्कुल करीब थी, जब खैमे डल चुके थे बिल्कुल मक्का के करीब, तब उसने देखा कि भाई ये तो वाकई मतलब, और उसने उस वक्त भी उसके दिल में यह आया कि इससे बेहतर है कि मैं ज़ेर हो जाऊँ तो ख़ुद ही जाके भाई इस्लाम कबूल कर लूँ। यानी हैबत से इस्लाम की, आप देखें लोगों के अपने अपने तरीके होते हैं इस्लाम को कबूल करने के। तो वो बेसिकली देखें ईमान का उसका, क्योंकि वो ख़ुद भी एक सरदार था ना, तो वो मुसलमानों की हैबत से मुसलमान हो गया। देख वो खैमे गाड़े गए थे और अभी फतह मक्का होनी ही थी, और वो पहले और छुपता छुपाता पहुंच गया। हज़रत उमर ने पकड़ लिया और उसने कहा मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहता हूं। तो हज़रत उमर ने कहा ऐसे तो नहीं जाने देंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब वही भी थे और वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका आनंद अंदाज़ा कर चुके थे कि ये इस्लाम को, और उसने दाखिल होते कलमा पढ़ लिया, उसने इस्लाम को कबूल कर लिया। और आप देखिए एतमाद देखिए कि उन्हीं के घर को पनाहगाह बना दिया, यानी देने का अंदाज़। अच्छा ये भी इस्लाम के आप मामला को पढ़ते जाएं और हिकमतों को समझते जाएं। यानी आपको आप देखिए कि अभी अभी इस्लाम कबूल किया, अभी अभी इस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट शो कर दिया कि अगर कोई अपना घर का दरवाज़ा बंद कर ले, इवन अबू सुफियान के घर में अगर कोई पनाह पकड़ ले तो वो भी उसको हमने भी पनाह दी। ये ऐलान किया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि बिल्कुल कुछ लम्हात ही गुजरे होंगे उसके इस्लाम के। अब उसको अच्छा अरब में इन वैल्यूज़ का ख्याल रखा जाता था कि अब अगर हमें इतना बड़ा स्टेटस दे दिया गया है तो अब हम खुद भी जो है ना पीछे नहीं हट सकते। तो अब अगर उसके दिल में कोई थोड़ी बहुत भी कोई थी ना तो वो अब ख़त्म हो जाएगी, कि अब वो कहेगा नहीं 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 इतना बड़ा बात कि हमारी तरह थोड़ी होते थे जो वैल्यू वाले लोग ना हो। अरब के लोग उस ज़माने में भी कुछ ऐसी वैल्यूज़ थी, जैसे मसलन आपने पढ़ा है कि खाना काबा में जो लोग आते थे तो उनकी मेहमान नवाजी वो करते थे, आज भी करते हैं। मैंने सुना है कि आप चले जाएं, स्पेशली रमज़ान में वो पकड़ पकड़ के लेके जा रहे होते हैं कि जी आप खाएं, हमारे पास इफ्तारी करें, हमारे पास सैरी करें, इस तरह। तो उनमें ये चीज़ इनबिल्ट थी, तो उनमें जैसे मेहमान नवाजी का बहुत ज़्यादा था कि वो मेहमान नवाजी किया करते थे, क्योंकि वो कहते थे अल्लाह के मेहमान है तो बस ठीक है हम इनकी मेहमान नवाजी करते। इसी तरह से उनके यहाँ पनाह का कॉन्सेप्ट भी था। अगर आपको याद हो ताइफ का वाक़या जब हुआ था, और ताइफ से वापसी पे भी अरब के कुछ लोग थे जिनके दिलों में अल्लाह ताला ने डाला, और उन्होंने कहा था कि हम मोहम्मद, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर नहीं दाखिल होने दिया जा रहा था मक्का में, तो उनका हम पनाह देते हैं किसकी हिम्मत आए हमसे आगे बात करें। अब वो अरब के सरदार थे, अदी बिन हातिम का जिक्र आता है, और 3-4 नाम थे, और वो थे नौजवान से थे मगर थे सरदार। अब सरदार ने जब पनाह दे दी तो उनका दस्तूर था कि अगर सरदार ने पनाह दे दी तो अब कोई छेड़ नहीं सकता, क्योंकि फिर वो दुश्मनी मोल लेगा। अब आप देखें अबू सुफियान को के घर को पनाहगाह करार दे दी, ट्रस्ट किया ना। बाज़ औक़ात आप किसी पर ट्रस्ट करके भी उसके दिल को जीत सकते हैं, बाज़ औक़ात आप किसी पर ट्रस्ट करके भी इसके ईमान को और पुख्ता कर देते हैं। अब अगर उसके दिल में, क्योंकि उसने घर भी वापस जाना था और सामने हिंदा भी थी, ठीक है, अब अगर उसके दिल में थोड़ा बहुत भी कुछ था ना कि चलो ये भी हो सकता है ना, देखिए दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकमतें समझते थे। तो अगर उनके उसके दिल में थोड़ा सा भी वो होता ना कि भाई मैं चलो अभी वक्ती तौर पे हो या बाद में चलो, तो अब वो नहीं पलट सकता पता कि इतना बड़ा मकाम मुझे दे दिया गया, इतनी बड़ी इधर मैंने कबूल किया है इस्लाम, इतनी बड़ी मुझे सादत दे दी गई। तो उसका दिल और पुख्ता हुआ इस्लाम पर, वो और मुतमईन हुआ। और फिर आप देखें हरकल के दरबार में गया था ना वो गया था, एक तो यही तो थे सुफियान और एक और। तो आप देखिए जो जो जवाब दिए बड़े ज़बरदस्त, मतलब देखिए सफ़ीर बन के चले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ीर दोबारा जब भेजा तो उनको बड़े बड़े मकामात पे रखा उनको, क्योंकि उनका अपना स्टेटस भी अच्छा ही था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी स्टेटस पे, तो वो कभी भी जिसे कहते हैं बदगुमान नहीं हुए, कभी भी उनका दिल जो है ना टूटा नहीं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमतें थी कि किस तरह से किसको डील करना है। ज़बरदस्त, एक्सलेंट, मज़ा आ जाता है ऐसी चीज़ पढ़ते जाते हैं। और रियली इंजॉइंग दौरा कुरान में, बहुत इंजॉय करते हैं हम लोग। आप इंजॉय करते हैं? मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ। अच्छा, ये कुरान है कि जिसके ज़रिए अल्लाह ताला उन्हें जो रज़ाए रब के दर पे हों सलामती की राहें बताता। आयत नंबर ये है 16 है। और उनको अपनी तौफीक से अंधेरों से निकालकर नूर की तरफ लाता है और राह रास्त की तरफ रहबरी करता है। कुरान का मकसद बता दिया गया है कि आपको सलामती की राहें बताता है, यानी आपकी ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियाँ हैं, आप कुरान पढ़ेंगे आपको कुछ ना कुछ आसानियाँ मिलनी चाहिए, ठीक है। और अपनी तौफीक से अंधेरे, ये कौन से अंधेरे? जहालत के अंधेरे, परेशानियों के अंधेरे, डिस्टर्बेंस के अंधेरे, कुछ नज़र ना, अंधेरे तो वही होता है, अंधेरे में कुछ भी नहीं नज़र आता ना इंसान को। तो ये कुरान है कि जो आपको नूर की तरफ, रोशनियों की तरफ ले आता है, खुशियों की तरफ ले आता है। नूर खुशी की अलामत भी है ना, खुशियों की तरफ लेके आता है, राह रास्त की रहबरी करता है। ये कुरान का मकसद जो है ना वो बताया गया। फिर आगे जो मैंने आपको बताया था कि इन्होंने क्या किया था, ये यहूद जो थे, तो इनका जिक्र आ जाता है कि जब इनको कहा गया है मेरी कौम वालों इस मुकद्दस ज़मीन में दाखिल हो जाओ। आयत नंबर है 21 से ऑनवर्ड, जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे नाम लिख दिया। कौन सी मुकद्दस ज़मीन थी? बैतुल मक़दस। उनको कहा गया था कि अमालिका कौम से जिहाद करो। और आप देखिए कितना अच्छा इनको मौका मिल रहा था कि एक बना बनाया मुल्क इनको, अब ज़ाहिर है वहाँ पे कुछ, जब एक मुल्क होता है और वह बड़ी अच्छी, बहुत ही डेवलप कौम थी मगर काफिर थी। अब अल्लाह ने ये फ़ैसला किया कि भाई इनसे ये लेके, क्योंकि अल्लाह को ये जो थे बनी इसराइल ज़्यादा पसंद थे, तो अल्लाह ताला इंसानों के ज़रिए से इंसानों के मुल्कों को चेंज भी करता है। यहाँ से ये भी समझा, देखें जैसे हम पाकिस्तान बना के बैठे हुए, कभी यहाँ पे हिंदू बसते थे, आज भी आप हीराबाद में चले जाएँ तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आज भी हिंदुओं के घर, उसी तरह से उनकी जो है वो आबाद है वो छोड़ के चले गए, हम इधर आके आए। अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक जगह मुख्तस कर रखी थी, सिस्टम था, और उसका जैसे टूल समझे कि वो हिजरत थी। जिसने हिजरत की तो वो यहाँ पे आ गया, जिसने हिजरत की वो वहीं जो है वो चिल करता रहा, ठीक है ना, सही। तो अब आप देखिए कि इनका भी अल्लाह ताला ने इनको भी यही कहा था कि भाई वो शहर तो पहले से ही बसा हुआ, तुम जाओ जिहाद करो। और जिहाद भी क्या था? जब अल्लाह ताला किसी को जिहाद का, तो फिर आपको बताया कि फिर तलवारें तो फिर ना फरिश्ते उठाते हैं और आप तो नींदे लेते हैं, और ना जिहाद हो जाता है और आप फतायाब भी हो जाते हैं। ग़ज़वा बदर में देख लें, ग़ज़वा अहद में देख लें, फरिश्तों की मदद ऐसे ही आती है ना, ठीक है ना। जब फरिश्तों की मदद आती है तो फिर आपको ज़्यादा काम नहीं करने दिया जाता, तो ज़ाहिर है इनके साथ भी फरिश्तों की, अगर ये जाते हैं तो अल्लाह ताला की मदद शामिल होती, ठीक है। तो इनको कहा गया कि अब आप जाएं वहाँ पे मालिका जो है ना वो मेरी नाफरमान कौम आबाद है, वहाँ पे बैतुल मक़दस में जाके आप आबाद हो जाएं जो अल्लाह ने तुम्हारे नाम लिख दिए। अब आप देखिए कितना ज़बरदस्त जुमला है, अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लती कतबल्लाहु लकुम, ठीक है, वो तुम्हारे लिए लिख दिए, ये ज़मीन तुम्हें दे दी है, अल्लाह ने दे दी है ये ज़मीन तुम्हें। सोचिए कितना बड़ा मकाम। और अपनी पुश्त की बल जो है रूगरदानी ना करो, और कि फिर नुकसान कि अब तो मैं ना इस हुक्म से जो है मुँह नहीं मोड़ना, रुख नहीं मोड़, पुश्त होना क्या होता है, रुख मोड़ लेना कि हम नहीं करेंगे अमल, ठीक है। उन्होंने जवाब दिया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, वहाँ तो ज़ोर आवर सरकश लोग हैं, अमालिका जो काबिज कौम थी वो तो ज़ोर थी तो बहादुर, जब तक वो वहाँ से खुद से नहीं निकलेंगे ना हम हरगिज़ नहीं जाएंगे। अब ये तरीका जिहाद कभी भी नहीं होता कि आप इंतज़ार करें जी वो खुद ही चले जाएँ, कभी हम जिहाद करेंगे, ऐसा जिहाद नहीं होता, इसको जिहाद नहीं कहते। जाना पड़ेगा, हाथ पैर तो हिलाने पड़ेंगे, उसके बाद अल्लाह की मदद आएगी। बग़ैर हाथ पैर हिलाए आपके यहीं बैठे बैठे वहीं से कोई आ जाए वो खुद ही, ऐसा नहीं, अल्लाह का सिस्टम ये। आप देखिए ग़ज़वा बदर में बेसर सामानी की हालत में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम वहाँ पर आए और पूरी बाकायदा तौर पर जो है ग़ज़वा हुआ था, तलवारें चली थी, सब बंदियाँ हुई थी, सब कुछ हुआ था, उसके बाद फतह हुई थी। हम ये नहीं कह सकते कि जी हम यहीं बैठे रहेंगे, खुद जो है ना जिहाद हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर वो अब उन्होंने कहा हम हरगिज़ वहाँ पर नहीं जाएंगे। हाँ, अगर वो वहाँ से खुद ही निकल जाए तो हम बखुशी चले जाएंगे। दो शख्सों ने जो खुदा तर्स उन लोगों में से थे जिन पर अल्लाह का फजल था, कहा कि तुम इनके पास दरवाज़े में पहुँच जाओ, दरवाज़े में कदम रखते ही यकीनन तुम गालिब आ जाओ। अब ये हिकमत समझ चुका था। ठीक है, ये शख्स है ना, अब देखिए वहाँ भी आप आगे पढ़ेंगे सूरह मोमिन में मोमिन का जिक्र आता है। यानी हर कौम सारी की सारी ख़राब नहीं हो सकती, कोई ना कोई अच्छा निकल जाता है। और ये भी अल्लाह की मदद होती है कि अल्लाह ताला उन्हीं में से किसी को खड़ा कर देता है, ताकि वो बात जो आप समझा रहे हैं शायद समझ में नहीं आ रही, तो जब उनमें से कोई समझाएगा तो शायद समझ में आ जाए। ठीक है, तो उन्होंने कहा जो खुदा तर्स लोगों में से दो शख्स थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह का फजल है, तुम सिर्फ जाओ दरवाजे में पहुंच जाओ, दरवाजे में कदम रखते ही तुम गालिब आ जाओ। कितनी प्यारी बात इसने की थी ना, कि अल्लाह की मदद को जानता था, ऐसे लगता है। ठीक है ना, तो इन्होंने कौम ने जवाब दिया एक मूसा अलैहिस्सलाम जब तक वो वहाँ आए तब तक हम हरगिज़ वहाँ नहीं जाएंगे, इसलिए तुम और तुम्हारा परवरदिगार जाकर खुद ही दोनों लड़ भिड़ लो, हम यहीं बैठे हुए हैं। फज़हब अंता व रब्बुका, कितना शदीद जुमला इन लोगों ने बोला था कि हम जिहाद नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे। हालांकि फ़ायदा इन्हीं को मिलना था ना, रब ताला की तो पूरी ज़मीन है। रब ताला को या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जाके क्या करना था? ठीक है ना, कह रहे कि नहीं हम तो नहीं जाएंगे, साफ इनकार था जिहाद से। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इलाही मुझे तो बजिज अपने और अपने भाई के किसी के और पे इख्तियार नहीं, बस तू हम में और नाफरमानों में जुदाई कर दे, बनी इसराइल से हमें जुदा कर दे। ठीक है ना, ये बात था। कौमुल फासिकीन से मुराद जो है ना बनी इसराइल है यहाँ कि भाई हमारा मेरा तो बस नहीं चल रहा, ये तो तीन नाफरमान कौम है। इरशाद हुआ अब ज़मीन इन पर 40 साल तक हराम कर दी गई, ये खाना बदोश इधर उधर सरगर्दा फिरते रहेंगे, इसलिए तुम इन फासकों के बारे में गमगीन ना होना। ठीक है, ये कह दिया गया और ये मैदान तय में एक अरसे तक रहे। ठीक है, अच्छा अब आपको पता है कि ये वही झगड़ा है जो पुराना चला आ रहा है। ये कहते हैं इसी आयत की पेश रोज़ ये कहते हैं ना कि बैतुल मक़दस हमारा, क्योंकि एक दफ़ा अल्लाह ताला ने कहा था कि ये ज़मीन तुम्हारी है, मगर उसका तरीका भूल जाते। वो तरीका क्या था? जिहाद का तरीका था कि आप जिहाद करें वहाँ पर। ये नहीं कहा था कि आप वहाँ से अमेरिका से डायरेक्ट लैंड करें और जी आप कहते हैं फ़लस्तीनियों से छीने और आप कहें कि अब हमारी ज़मीन है, ऐसा कोई नहीं। और ज़ाहिर है जब तुम नहीं गए तो अब अल्लाह की मर्ज़ी, किसी को भी ज़मीन दे। जो अल्लाह के जो अहकामात होते हैं बाज़ औक़ात वक्त के साथ पाबंद होते हैं, जैसे नमाज वक्त के साथ पाबंद है। अगर उस वक्त को आपने यूटिलाइज़ नहीं किया, उस वक्त अल्लाह की नाफरमानी नहीं की और आप कहें कि 2 घंटे बाद में अल्लाह की फरमाबरदारी अगर उस वक्त नहीं की और आप कहें कि 2 घंटे के बाद अगर मैं अल्लाह की फरमाबरदारी करूँगा, तो फिर वो अल्लाह ताला उस फरमा बरदारी कबूल नहीं करते। मसलन जैसे बिल्कुल ऐसे ही कि आप ज़ोहर का वक्त निकाल दें, असर के वक्त कहें कि जी अब मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूंगा, तो वो अल्लाह ताला कबूल नहीं करता, वो तो कज़ा ही शुमार होगी। ठीक है, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा आ रहा है, दोनों बेटों का खरा खरा हाल भी सुना दो। इन दोनों ने एक नजराना पेश किया, इनमें से एक की नज़र तो कबूल हो गई, दूसरे की मकबूल नहीं। वो कहने लगा मैं तुझे ही मार डालूंगा, तो उसने कहा कि अल्लाह ताला तकवा वालों का ही अमल कबूल करता है। अच्छा, मामला ये था कि जब ज़ाहिर है अभी ये हज़रत आदम हवा के मिलाप से बैक वक्त लड़की लड़का पैदा होते थे, और जो पहले वाले लड़की लड़का होते थे वो दूसरे वाले लड़की लड़का के उससे उनको ब्याह कर दिया जाता था ताकि नस्ल आगे बढ़े। ठीक है, हाबील के साथ जो पैदा होने वाली बहन थी वो बदसूरत थी, जबकि काबील के साथ जो पैदा होने वाली बहन थी वो खूबसूरत थी। तो वक्त के उसूल के मुताबिक तो हाबील का निकाह काबील की बहन से, काबील का निकाह हाबील की बहन से होना, लेकिन काबील ये चाहता था कि वह हाबील की बहन के बजाय अपनी ही बहन के साथ जो खूबसूरत थी उससे निकाह कर ले। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसको बहुत समझाया लेकिन वो ना समझा। बिलाखिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों को अल्लाह के हुजूर कुर्बानियाँ पेश करने का हुक्म दिया और फरमाया कि जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी तो उसका जो निकाह है वो कर दिया जाएगा। तो हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई। यानी अच्छा, उनके यहाँ कबूल होने का तरीका ये था कि आसमान से आग आती थी, उस कुर्बानी को खा जाती थी, तो उनकी उस कुर्बानी को आसमान से आग आके खा गई। तो फिर ना लेकिन ये बात जो है ना काबील ने पसंद नहीं की, काबील ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, और फिर काबील ने इसको हाबील को कत्ल कर दिया। तो जब वो करने लगा तो हाबील ने उस वक्त भी समझाया कि अल्लाह ताला तकवे वालों का ये अमल कबूल करता है, तुम ऐसा ना करो। यानी मार डालना, कत्ल करना, लड़ाई करना तकवा वाला अमल नहीं है। गो तू मेरे कत्ल के लिए दस्तराजी करे, लेकिन मैं तो तेरे कत्ल की तरफ हरगिज़ हाथ ना बढ़ाऊँगा। मैं तो अल्लाह ताला से खौफ खाता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि तू मेरा गुनाह और अपना गुनाह भी अपने सर ले ले और दोज़ख़ियों में शामिल हो जाए। ज़ालिमों का यही बदला, यानी कत्ल का वो गुनाह जो उस वक्त होता जबकि मैं तुझे कत्ल करता, तो मैं तो तुम्हें कत्ल करना ही नहीं चाहता। ठीक है ना, हदीस में आता है कि कातिल और मकतूल दोनों जहन्नम में जाएंगे। सहाबा किराम ने कहा कातिल का मकतूल में जाना तो बनता है, समझ में आता है, मकतूल जहन्नम में क्यों जाएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसलिए कि वो भी अपने साथी को कत्ल करने का हरगिज़ था। यानी नीयत का भी फ़र्क पड़ता है। इधर आप देखें इसने क्या कहा था कि मेरी नीयत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि दोनों का गुनाह तू ही ले ले। लेकिन अगर दोनों की ही नीयत थी कि दोनों लड़ाई बढ़ाई थी, जिसका वार चल गया, तो फिर जाएंगे बहरहाल दोनों ही जहन्नुम में। और ये इतना बुरा अमल है कि जो इसको तकवा, लड़ाई, मार, कुटाई जो है, अल्लाह ने इसको तकवा के ख़िलाफ़ किया, चाहे वो घरेलू सतह पे हो, चाहे वो मोहल्ले की सतह पे हो, चाहे वो मुल्क की सतह पे हो। ये जो लड़ाई, कत्लो ग़ारत करिए, ये अल्लाह ताला के पसंदीदा कामों में से नहीं है। बस उसके नफ्स ने अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया और इसने कत्ल कर डाला। काबिल ने इसको कत्ल कर दिया, जिससे नुकसान पाने वालों में से हो गया। फिर अल्लाह ताला ने एक कौवे को भेजा जो ज़मीन खोद रहा था ताकि उसे दिखाए किस तरह वो अपने भाई की लाश को छुपा दें। फिर उस वक्त उसको वो कहने लगा, हाय अफसोस, क्या मैं ऐसा करने से भी गया गुजरा हुआ कि इस कब्र की तरह अपने भाई की लाश को दफना देता, फिर तो बड़ा ही पेशेमान और शर्मिंदा हो गया। ये दुनिया का पहला कत्ल था, इसलिए दफनाने का तरीका भी नहीं मालूम था। तो इंसान जो है उसको, लेकिन जानवर की फितरत पे होते हैं, तो उसको कब्बे को सिखा कर भेजा गया था, कब्बे ने सिखाया। और ये कानून हमारी शरीयत के लिए भी है कि भाई इसी तरह से दफनाया जाएगा। ठीक है, आगे जो है किसास का मामला है, वो भी कानून हमारे बनी इसराइल से शुरू हुआ था और हमारी शरीयत में भी है कि कोई अगर मार डालेगा तो जो किसी को अगर मारेगा तो खून का बदला खून, दांत का बदला दांत और जिस्म का बदला जिस्म। तो ये बात है कि किसी को मार दिया तो फिर उसकी जो है ना, उसकी उसी चीज़ को नुकसान पहुँचाया जाएगा। जो अल्लाह ताला और उसके रसूल से लड़ें और ज़मीन फसाद करते पड़े, इनकी सज़ा यही को कत्ल कर दी जाए। असल में ये एक वाक़या था, अकल और अरीना के कबीले का एक वाक़या था कि वो मुसलमान वहाँ से कुछ आके आ गए थे मदीना, उन्हें मदीना की आबो हवा रास नहीं आए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीना से बाहर जहाँ सदके के ऊँट थे वहाँ भेज दिया कि उनका दूध और उनका पेशाब पिए, अल्लाह उनको शिफा देगा। वो कुछ लोग में कुछ अरसे में वो दोनों सही हो गए, कुछ लोग जो थे वो सही हो गए। लेकिन उन्होंने ये किया कि सही होने के बाद ऊँटों के रखवाले को जो है और उसके चरवाहे को कत्ल कर दिया और ऊँट जो है वह काकर ले गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े की इत्तला मिली तो उन्होंने आदमी दौड़ाया, उन्हें ऊँट पकड़ के, उनको ऊँटों समेत पकड़ के ले आए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ पैर मुखालिफ सिमत से काट डाले और उनकी आँखों में गर्म सिलाइयाँ फिरवा दी और उन्हें धूप में फेंक दिया, क्योंकि उन्होंने असल में उन्होंने चरवाहे के साथ यही अमल किया था। किसास का जो वाक़या था वो ये किसास लिया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये आयत जो है आयत मुहारबा भी कहलाती है और इसका हुक्म आम है, मुसलमान काफिरों दोनों को शामिल किया गया है कि अगर कोई भी किसी मुसलमान को या किसी भी इंसान को, मुल्क के लोगों को नुकसान पहुँचाए, हमला करे, कत्ल गारत करी करे, तो फिर जो सज़ा मुनासिब समझे काज़ी वक्त या जो भी उस पर अगर किसास का मामला है तो वो उसको दी जा सकती है। यानी इंसान की जान और आबरू इतनी अहमियत रखती है कि कोई इसको नुकसान पहुंचाएगा तो उसका बदला भी दिया जाएगा। फिर आगे अल्लाह, मुसलमानों अल्लाह से डरते रहो, उसका कुर्ब तलाश करो और उसकी राह में जिहाद करो ताकि तुम्हारा भला हो जाए। अच्छा, यहाँ पे देखिए अल वसीला इस्तेमाल, वसीला के असल मायने मकसूद के हुसूल या इसके कुर्ब की का ज़रिया होना। ठीक है, यानी अल्लाह का कुर्ब तलाश करो। ठीक है, और चोरी करने वाले का निसाब आप देखिए 38 में आ रहा है, चोरी करने वाला मर्द और उस औरत के हाथ काट दिए जाएंगे। इसकी ताज़ीर क्या है कि उसके हाथ काट दिए जाएंगे। उसका निसाब ये 3 दिनार या रुबा दिन, 3 दरहम या रुबा दिनार, यानी इससे कम पर अब इसका ये निसाब रखा गया है। यानी ये नहीं कि जो एक दो चीज़ के लिए उसका हाथ काट दिए जाएंगे, उसका निसाब है इतनी इसने चोरी की है तो फिर जो है, और उस पर आदो-आदिल गवाह होने भी ज़रूरी हैं। ऐसे नहीं कि उसने किसी ने ऐसे इल्ज़ाम लगा दिया। और ये ताज़ीर का बाकायदा कानून है, सिर्फ समझने की बात है। जो शख्स अपने गुनाह के बाद तौबा कर ले, इस्लाह कर ले, तो अल्लाह ताला रहमत के साथ इस तरफ लौटता है। ठीक है, ये हो गया। और आगे भी किसास का ही मामला आ रहा है जो हुक्म तौरात में था। हमने यहूदियों के ज़िम्मे तौरात में ये बात मुकर्रर कर दी कि जान के बदले जान और आँख के बदले आँख और नाक के बदले नाक और कान के बदले कान और दांत के बदले दांत और ख़ास ज़ख्मों का भी किसास है। ठीक है, तो ये यहूदियों में भी था और यही कानून हमारे भी है। और दियत का भी है मामला कि अगर दियत लेना चाहे। और फिर आगे शुरा, साफ रास्ते को कहते हैं। आयत नंबर आ जाए आप 48 कि अगर मंजूर इलाही होता तो तुम सबको अल्लाह ताला एक ही उम्मत बना देता, लेकिन इसकी चाहत है कि जो तुम्हें दिया इसमें तुम्हें आजमाए, तुम्हें तुम नेकियों की तरफ जल्दी करो, तुम सब का रुजू अल्लाह की तरफ है, फिर वो तुम्हें हर वो चीज़ बता देगा जिसमें तुम इख्तिलाफ करते हो। अच्छा, शुरा साफ रास्ते को कहते हैं, ठीक है, लोगवी में लुगत में वो रास्ता जो कि पानी की तरफ जाता है, क्योंकि अरब के यहाँ खाना बदोशी वाली लाइफ होती थी तो उनके यहाँ पानी की बड़ी अहमियत थी, वो वहीं पर और डालते जहाँ पानी होता था। शरीयत इस्तिलाही में वो रास्ता कि जो दुनिया और आखिरत की निजात का जरिया बनाए, ठीक है। अब अल्लाह ताला इसमें एक अपना कानून बता रहे हैं कि अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं था कि तुम सबको एक ही उम्मत बना देते, अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल, लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी तुम्हारे आजमाइश बना दी कि तुम खुद अल्लाह की तरफ आओ और तुम खुद रास्ता चूज़ करो, तौहीद का रास्ता, इस्लाम का रास्ता, और तुम खुद नेकियों की तरफ जल्दी करो, और फिर अल्लाह के पास आओ तो तुम्हें बता देगा जिन चीज़ का तुम इख्तिलाफ, यानी इससे हमें यह भी पता है कि जिन चीज़ों में इख्तिलाफ हो तो वो मामला अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए, यानी बहसें नहीं करते रहना चाहिए, ठीक है। फिर आगे दोस्ती का मामला कि क्या ये जाहिलियत के फैसले दोबारा से चाहते, यकीन रखने वाले लोगों के लिए अल्लाह ताला से बेहतर फैसले करने और हुक्म करने वाला कौन हो सकता है? ईमान वाला, तुम यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ, ये तो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, तुम में से जो भी इनसे दोस्त करेगा वो बेशक इन्हीं में से जालिमों को अल्लाह ताला हरगिज़ राह देंगे। अब पहली बात तो ये कि जाहिलियत के फैसले कौन से, यानी जाहिलियत देखे इस्लाम के बरक्स है, यानी इल्म के बगैर ख्वाहिशात की बुनियाद पर कोई तरीका इख्तियार करना वो जाहिलियत का फैसला होता है, जाहिलियत का रास्ता होता है। हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आज जाहिलियत के सारे तौर तरीके मेरे कदमों तले हैं। तो अब कुरान और इस्लाम के सिवा सब जाहिलियत है, जो चीज़ कुरान और इस्लाम से टकरा जाए वो सब जाहिलियत है। ये बात अगर हम समझ लेना हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। हर चीज़ को, हर ज़िंदगी के मामले को, फैसले को कुरान और सुन्नत पर रख के देखेंगे, ठीक है। अगर वो कुरान और सुन्नत के फेवर में जारी की चीज़ तो हम वो काम कर लेंगे, अगर वो फेवर में नहीं जारी तो उसको छोड़ देंगे। इसके अलावा जो भी चीज़ है वो फिर जाहिलियत है, ठीक है। एक बात यहाँ से ये 50 आयत में तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और ईमान वालों को कहा गया तुम यहूद और नसारा को दोस्त नहीं बनाओ। अच्छा, अब दोस्ती का मेयार भी बता दिए कि दिली दोस्ती जो है वो गैर अकवाम से और स्पेशली वो जो तुमसे दुश्मनी रखते हैं उनसे हम नहीं रख सकते। इसी तरह से उनकी रसूमात या उनके जो डेज़ वगैरह होते हैं उनमें भी हम शिरकत नहीं कर सकते। ये कितना कॉन्सेप्ट होता है जी, उनके उसमें शिरकत कर लो वो भी तुम्हारी ईद में आएंगे, भाई नहीं आओ अपने हमारी ईद में, हम खुद ही मना लेंगे, ठीक है ना। ये कौन सा तरीका है कि जी हम जाएँ उनकी नौज बिला उनकी क्रिसमस में जाएँ या उनकी क्या जो भी चीज़ें होती हैं, दिवाली, होली, शोली, लोग करते हैं ना इसको सॉफ्ट कॉर्नर देने के लिए कि जी वो भी इस्लामी। ऐसा कोई तरीका, ये बात बिल्कुल दिल में बिठा लें, ऐसा कोई तरीका इस्लाम में, अगर ऐसा ही होता तो वो बुतों पर हाथ रखवा दिया जाता, यानी निकाल के भी पता नहीं कहाँ से लेके आ जाते हैं। अजीब व गरीब लोग हैं कि इस्लाम में इसकी गुंजाइश ही नहीं है। आप दीन के अंदर रहते रहते ही दीन की तबलीग करेंगे, दीन से बाहर निकल के दीन की तबलीग नहीं करेंगे। इतनी बड़ी सिंपल सी बात है, बिदअत में जाके दीन की तबलीग नहीं होगी। दीन के अंदर खुद दीनदार रहते हुए ही दीन की तबलीग करेंगे ना, खुद का दीन तो गया बाढ़ में, खुद का दीन तो मट्टी में रुल गया और अब जाके दूसरों का दीन, तो वो तो पहले तो आपके दीन पे सवाल उठा देगा कि आप अपने दीन को तो पहले संभाल के रखें। और ऐसा कोई अमल सहाबा किराम ने किया भी नहीं था कि जी उनको सॉफ्ट कॉर्नर देने के लिए या उनको जी दिली उनकी जो है ना उसके लिए कि जी वो उनके दिल मायल हो जाएंगे, जी उनके भी हम चले जाते हैं, उनकी शादी में चले जाते हैं या उनकी होली दिवाली में चले जाते हैं या उनके चलो जर्ज आज है ना इन्होंने बुलाया शादी है चर्च में चलते हैं, चलो जी शादी देखते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। या जाते हैं जी हम उनके क्रिसमस में नाउज़ुबिल्लाह हम शरीक हो जाते हैं, चलो गिफ्ट ही दे देते हैं, हम जो है ना गिफ्ट दे देते हैं। गिफ्ट देने में क्या है भैया, आप सोचे तो सही कितना बड़ा जुर्म है। आपको पता है क्रिसमस का मतलब, पता ही है आपको कि वो क्या है, ज़बान पे अल्फाज लाते हुए मुझे तो अजीब कराहियत सी होती, तो आप उसमें कैसे शरीक हो सकते? और ये बोलने ये कैसे, यानी कि अगर उनको आना होगा ना, किसी को इस्लाम की तरफ आना होगा तो आप अपने दायरे में रहते रहते तबलीग करेंगे। कहीं ऐसा नहीं है कि आप मुबल्लिग बनने के लिए अपने ही दायरे को तोड़ बैठे, या ऐसा कहीं नहीं है कि मुबल्लिग बनने के लिए पहले आप इस्लाम के ख़िलाफ़ जाएं फिर आप तबलीग करें। आप मुसलमान रहते रहते ही तबलीग करेंगे, ईसाई बनकर तबलीग नहीं करेंगे। ये बात समझ लें अच्छी तरह से, बिल्कुल क्लियर कट। और फिर आगे आता है ए ईमान वालों, तुम में से जो शख्स अपने दीन से फिर जाएगा तो अल्लाह ताला बहुत जल्द ऐसी कौम को लाएगा जो अल्लाह की महबूब होगी, वो भी अल्लाह से मोहब्बत रखती होगी, वह नरम दिल होंगे मुसलमानों पर और सख्त और तेज़ होंगे कुफार पर। अभी ये इसी के ज़ुमरे में ये बात आ रही है कि आप देखेंगे हम लोग है ना अक्सर व बेशतर अपने मुसलमानों के साथ सख्त होते और गैरों के साथ बड़े नरम हो जाते। तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि अगर तुम में से कोई दीन से फिर, पहले तो इस पर वही थे समझने की बात है कि अगर यानी कि इसका मतलब है कि यानी अल्लाह ताला इन चार चीज़ों की कमी महसूस कर रहा है, यानी देख रहा है कि कमी है। तो अगर तो तुम फिर जाओगे ना तो अल्लाह को कोई मुश्किल नहीं है, सारी दुनिया अल्लाह की है। अल्लाह ताला एक ऐसी कौम को ले आएगा कि और उससे दीन का काम लेगा जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता होगा और जो अल्लाह की महबूब होगी वो भी अल्लाह से मोहब्बत करती होगी। पहली ही सिफ्त यानी अपना अपना जायज़ा सब कौमें ले लें, सब मुसलमान अपना अपना जायज़ा ले लें कि अगर आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो या नहीं करते। ठीक है, तो अल्लाह ताला आप में शायद कमी महसूस कर रहा है, जब भी तो अल्लाह ने कहा है कि अगर तुम नहीं आना चाहते या दीन की तरफ नहीं आना चाहते या दीन के लोगों को लाना नहीं चाहते या तुम समझते हो कि तुम्हारे बगैर तुम दीन चल जाए, ठीक है, हट जाओ, तुम साइड पे हो जाओ, अल्लाह ताला किसी और से काम ले लेगा। आप देखिए हमेशा मैं नोटिस करती हूँ जब आप लोग बैठे होते हैं तो अगर कभी कोई एब्सेंट होता है तो मैं कहती हूँ देखो इसकी जगह फिल हो गई, अगर मैं भी एब्सेंट होंगी तो मेरी जगह फिल हो जाएगी। अल्लाह का दीन है, अल्लाह ताला काम ले लेगा किसी से। अल्लाह अपने काम के लिए किसी का मोहताज नहीं है, हम मोहताज हैं अल्लाह के कि वो हमें मजदूर के तौर पे चुने। अल्लाह हमारे लिए अल्लाह ये तो अल्लाह ताला हमारे ऊपर एहसान कर रहा है कि अल्लाह हमें चुन के बैठा हो। तो पहली सिफ्त उसकी ये होगी कि वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करेगा। नंबर टू, दूसरी सिफ्त उनकी क्या होगी, वो नरम दिल होंगे मुसलमानों पर और सख्त और तेज़ होंगे कुफार पर और अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करेंगे। अब आप देखें कितनी अच्छी सिफात बता दी गई हैं वाज़े तौर पर कि वो मुसलमानों पर नरम होंगे और सख्त और तेज़ होंगे कुफार पर, वो अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे, नहीं जिहाद की भी कमी है, और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करें। आप देखें ये बड़ी हम लोग बड़ा अपने लिए एहसास होते हैं, किसी ने दीन के ऊपर कुछ कह दिया तो हमारे दिल के अंदर जैसे चुभी जाती है, यानी ये तो हानि के एन सवाब का काम है, ये तो सुन्नत की जो है ना मज़े लौट रहे हैं आप कि अगर आपको दीन के ऊपर अगर आपके दीन के ऊपर किसी ने अल्फाज उठाए या किसी ने कोई आपके ऊपर ताना जनी कर दी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कुछ नहीं सुनना पड़ा था, सहाबा कराम को अम्बिया कराम को कितनी लोगों की बातें सुननी पड़ी थी। जब हज़रत नूह अलैहि सलाम कश्ती बना रहे थे वो जो थे काल अलमला, वो आपने पढ़ा ना, वो जो सरदार थे हंसी ठट्टे उड़ाते हुए जा रहे होते थे कि कर चलेगी कहाँ, ये चलेगी कहाँ, कोई जवाब नहीं दिया हज़रत नूह अलैहि सलाम ने कि वक्त आएगा जब पता चल जाएगा। तो इसलिए अगर अल्लाह ताला की फरमा बरदारी में कुछ बातें अगर आपको भी सुननी पड़ जाएँ तो हदीस में आता है ना कि वो मुसलमान ज़्यादा बेहतर है जो लोगों के दरमियान रहे और लोगों की बातें पर सब्र करे बनस्बत उसके कि जो लोगों के दरमियान रहे ही नहीं, तो वो क्या तो अजर उठाएगा। ठीक है मुसलमानों, तुम्हारा दोस्त खुद अल्लाह ताला है। दोस्ती किससे करनी है, अल्लाह से और अल्लाह वालों से, ये दोस्ती का मैार है और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और ईमान वाले हैं। इसके बाद अल्लाह के बाद कौन आ रहा है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्ती और ईमान वाले जो नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और वो रुकू और खुजू करना, इन्हीं में ये खूबियाँ हैं। जो शख्स अल्लाह ताला से और उसके रसूल से और मुसलमानों से दोस्ती करेगा वो यकीन माने कि अल्लाह की ही जमात गालिब रहेगी, यानी उसको यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ही गालिब रहने वाला है और मुसलमान गालिब रहेंगे। मुसलमानों, उन लोगों को दोस्त ना बनाओ जो तुम्हारे दीन को हंसी खेल बनाए हुए हैं, ख्वाम उनमें से जो तुमसे पहले किताब दिए गए कुफार हो, या अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह से डरते रहो, यानी ऐसे लोगों से दोस्ती करने का हुक्म नहीं। यानी इसका ये मतलब नहीं कि इखलाक नहीं बनाएंगे, इखलाक और दोस्ती दो अलग चीज़ें होती हैं। इखलाक हर एक से निभाई जाएगी मगर दोस्ती जो होती है वो तो होती है कि आप पर्सनल बातें शेयर करते हैं, बाज़ औक़ात अपने राज भी दे देते हैं, बाज़ औक़ात अपने मसाइल शेयर करते हैं, तो वो किससे शेयर किए जाएंगे, वो सिर्फ मुसलमानों से शेयर किए जाएंगे। ठीक है, फिर आगे यहूदियों का मामला, यहूदियों ने कहा कि अल्लाह ताला के हाथ बंधे हुए हैं, इन्हीं के हाथ बंधे। अल्लाह ताला क्या जवाब देता है, इन्हीं के हाथ बंधे हुए। कब, जब इनको खर्च करने के लिए कहा गया, जब अल्लाह ताला ने अपनी राह में खर्च करने के लिए कहा तो कहा नाउज़ुबिल्लाह इन्होंने ये कहा था, जबकि अल्लाह के तो दोनों हाथ खुले हुए हैं, जिस तरह चाहता है खर्च करता है, जो कुछ तेरी तरफ अपने रब की जानिब से उतारा जाता है वो उन्हीं में से अक्सर को सरकशी और कफर में बढ़ा देता है। यानी बाज़ औक़ात आप देखिए कुरान को जिस हैसियत से लिया जाता है जिस तरह से, तो वो उसको वही कुछ देता है। मैंने पहले भी एक दफ़ा एक्सप्लेन किया था जब इन पर कुछ अल्लाह ताला जब कुरान नाजिल करता था तो बाज़ औक़ात ये मज़ीद सरकश होते चले जाते थे, और जो मोमिन जो होते थे वो और खुश होता था। ठीक है, अगर ये लोग तौरात इंजील और इनकी जानिब जो कुछ अल्लाह की तरफ से नाजिल किया इनके पूरे पाबंद रहते तो ये लोग अपने ऊपर से नीचे से रोज़ियाँ पाते और खाते। एक जमात तो इनमें से। अच्छा, इस पाबंदी में आप देखें ये भी तो है ना कि आखिरी जो नबी आएंगे उनका भी इकरार करना। ठीक है ना, यानी तौरात इंजील और इनकी जानिब जो कुछ अल्लाह की तरफ से नाज़िल किया। एक तो तौरात के ऊपर ये तो तौरात पे भी पाबंद नहीं रहते, इंजील पे भी पाबंद नहीं रहते अहले किताब, और फिर कुरान को भी नहीं मानते थे, और जो तौरात और इंजील की बातें हैं उस पर तो अपनी बातें लिख चुके थे ये, उसको मिटा मिटा के। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कुरान यानी कि तौरात और इंजील के बाद कुरान भी जैसे नाज़िल हुआ तो इसको अगर ये मानते रहते तो फिर ये इनके ऊपर इनके पूरे पाबंद रहते, तो ये लोग अपने ऊपर से और नीचे से रोज़े। यानी इससे पता क्या चला, क्योंकि जो आखिरी चीज़ आ रही है ना जो इनके जो अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया वो क्या था? कुरान। यानी कुरान अगर इंसान पढ़ता है, इस पर अमल करता है, तो फिर ऊपर से यानी आसमान से बारिशें रहमतें और नीचे से यानी ज़मीन के ख़जाने सब अल्लाह वालों के लिए खुल जाते हैं। कसरत रिज़्क़ का वजीफ़ा ये है कि इस्लाम के पूरे पाबंद बन जाए इंसान। यहाँ से बताया जा रहा है कि इंसान अगर कोई भी अपने रिस्क की कसरत चाहता है तो उसको क्या अमल करना है कि इस्लाम पर पूरा जो है अमल करने वाला बन जाए, तो अल्लाह ताला उससे खुश होगा। अल्लाह ताला उसको हर चीज़ बहुत फरावानी से अता करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ जो आपके रब ने जो कुछ नाजिल किया से पहुँचा दिया। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपने रसालत अल्लाह की रसालत का हक़ अदा नहीं किया, और आपको अल्लाह ताला लोगों से बचा लेगा। बेशक अल्लाह ताला काफिर लोगों को हिदायत नहीं देता। यानी कि हज़रत आयशा कहते हैं जो शख्स ये गुमान करे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुपा लिया तो ये इसने यकीनन झूठ का। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी है, हर चीज़ हमें बता के गए। अब हमारा काम है कि हम हिदायत पे चलें। आप कह दीजिए अहले किताब तुम दरअसल किसी चीज़ पर नहीं, जब तक कि तौरात इंजील और जो कुछ तुम पर नाजिल किया गया है यानी कुरान कायम ना करो। ठीक है, यानी हिदायत के रास्ते पर चलने से ही हिदायत में इजाफा होता है। ठीक है, इसी तरह से गुमराही के रास्ते पर चलने से गुमराही में इजाफा होता है। जो कुछ आपकी जानिब आपके रब की तरफ तारा गया इनमें से बहुतों को शरारतों और इनकार में बढ़ाएगा, यही तो आप इन काफिरों में गमगीन ना हो। यहाँ से यह सबक सीखा है। ठीक है ना, क्योंकि दोनों चीज़ों का आ रहा है ना कि अगर गुमराही के रास्ते पर चलेंगे तो गुमराही में इजाफा होगा, और अगर हिदायत के रास्ते तो हिदायत में इजाफा होगा। ठीक है, और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और ख़ुद मसीह जो थे उन्होंने कहा था ये लोग काफ़िर हुए जिनका कौल है मसीह इब्न मरियम ही अल्लाह नाउज़ुबिल्ला। हालांकि ख़ुद मसीह ने इनसे कहा था कि ए बनी इसराइल, अल्लाह की बात कर जो मेरा और तुम्हारा सब का रब है। यकीन मानो जो शख्स अल्लाह के साथ शरीक करता अल्लाह ने इस पर जन्नत हराम कर दी है। और ये जो दोनों थे राज पास यानी इनकी वालदा जो थी मसीह इब्न मरियम की राज पास औरत थी, दोनों माँ बेटे खाना खाया करते थे। आप देखिए किस तरह हम उनके सामने दलील यानी कि मखलूक वाली सिफ़ात थी इनमें ना। सही है, और फिर आगे ना ग़ुलू ना करो अपने अहले किताब, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और ज़्यादा दोस्ती में आप यकीन उन्हें पाएंगे जो अपने आप को नसारा कहते हैं, इसलिए कि इनमें उल्मा और इबादत के लिए गोशा नशीन अफराद पाए जाते हैं, और इसकी वजह कि वो तबका बोल नहीं करते। यानी कुरान में यानी इस्लाम और कुरान से इस्लाम और दुश्मनी में दोस्ती में जो है ना सबसे ज़्यादा जो करीब होंगे वह नसारा होंगे, और दुश्मनी में जो सबसे ज़्यादा होंगे वो यहूद होंगे। ठीक है, ये बात यहाँ पे बता दी। यानी अल्लाह ताला ने आपको दोस्त दुश्मन सबकी पहचान करा दी। अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी बेहतर टाइम पे, अल्हम्दुलिल्लाह।